हेलो एवरीवन, कैसे हो? जो भी बच्चे मेरा ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उनसे मेरा पहला और आखिरी रिक्वेस्ट है कि मैंने जितना भी वीडियो लेक्चर बनाया है उन सब का एम है कि मैं आपके सोचने का तरीका चेंज कर सकूं। क्यों? क्योंकि जब आप सोचना चेंज करोगे तभी आपका क्वेश्चन बहुत ईजीली बनेगा। क्योंकि बेटा, हम लोग अच्छे से जानते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम हर क्वेश्चन को कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करें, राइट? तो कैसे अल्टरनेट वे में सोचना है, कैसे क्वेश्चन को एग्ज़ाम में करना होता है, ऑप्शन से कैसे जाना है, वो सारे तरीका, वो सारे मेथड मैं आपको देने जा रहा हूँ। जिस दिन आप रफ़ी सर की तरह थिंक करना शुरू कर दिए उस दिन से आपका क्वेश्चन बहुत ईजिली बनेगा और आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसको बहुत ईजिली करेक्ट कर लोगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 बेसिक पॉइंट लिखा है जो यू ऑलरेडी नो, जस्ट मैं उसको समराइज कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसका सबसे पहला फंडा है कि आप क्या करेंगे, नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर करके आप एकदम डायग्राम क्लीन ड्रॉ करेंगे, फिर बेसिक अप्लाई करेंगे जो आप जानते हो 9th, 10th, 11th के जो भी बेसिक जानते हो वो अप्लाई करना है एंड ऑप्शन से जाना है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं थिंक करना भी आपको बताऊंगा। दूसरा, वी ऑलरेडी नो कि जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है, वाई इजकल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये सी क्या बताता है, वाई इंटरसेप्ट, वाई पे कहाँ पे कट कर रहा है, राइट। एम क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ध्यान रहे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाया एक्स एक्सिस से, वो स्लोप होता है, राइट। सिमिलरली डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, यू नो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इजकल टू वन, तो ये ए और बी क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। या फिर अगर कोई लाइन किसी पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन से जा रहे हो और स्लोप एम हो तो हम इस तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं। वी ऑलरेडी नो यहाँ पे जो स्लोप एम है उसी को बोलते हैं टेन थीटा, और अगर हमें कोऑर्डिनेट मालूम है तो वाई टू माइनस वाई वन, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बाई एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होता है, राइट। इतना सब जानते हैं, जस्ट मैं समराइज कर रहा हूँ। तीसरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई लाइन अगर आपको गिवन हो और कोई पॉइंट का उस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान रहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो तो उस पॉइंट को लाइन में पुट कर देना है, ऊपर में मॉड आ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, और नीचे में जो एक्स और वाई का कोफिशियंट होंगे उसका अंडर रूट स्क्वायर कर देना है। बात समझ में आ गई? वैसे ही अगर दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना हो तो डेट्स वेरी सिंपल, जो दो कांस्टेंट टर्म होंगे उनका डिफरेंस आ जाएगा ऊपर में, अगेन मोड लगा दिया क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, और नीचे में अगेन एक्स और वाई के कोफिशियंट के स्क्वायर का सम कर देना और स्क्वायर रूट लगा देना, राइट। ध्यान रहे कि ए और बी दोनों लाइन का सेम करना पड़ेगा आपको, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, वी ऑलरेडी नो कि अगर कोई लाइन कॉन्करेंट है या फिर कोई पॉइंट कंकरेंट है तो स्लोप इक्वल कर देना है, अगर लाइन अगर कंकरेंट है तो फिर उनका डिटर्मिनेंट को जीरो कर देना, राइट। और फिफ्थ पॉइंट अगेन कि अगर आपको दो पॉइंट मालूम है और कोई तीसरा पॉइंट अगर इस लेंथ को एम इज टू एन रेशियो में अगर कट कर रहा है तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो सिंपल एन वाला इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। एन वाला इसमें और एम वाला इसमें, ऊपर में प्लस और नीचे में एम प्लस एन करना है, राइट। ये इंटरनल कट करेगा तो एक्सटर्नल कट करता है तो कैसे करते हैं, सिर्फ बीच में क्या आ जाएगा, माइनस, राइट। तो ये इतना बेसिक है, अब मैं आपको 10 प्रॉब्लम लेकर के बताता हूँ कि कैसे थिंक करना है। अभी मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन आइदर मेंस में या सीईटी में या एडवांस में आए हुए क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मेरा मेन एम है आपको सोचने का तरीका बताना। जैसे ये क्वेश्चन में पी क्यू आर के पॉइंट गिवन है, आपको इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर बताना है। तो देखो क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो बेटा कैसे रफ़ी सर की तरह थिंक करना है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप क्या करेंगे, उस पॉइंट को लोकेट कर लेंगे। पहला पॉइंट आपका कहाँ है, माइनस 3.0 यहाँ पे होगा, राइट, क्विकली कर लेना है। दूसरा पॉइंट 0.0 यहाँ पे है, राइट। तीसरा पॉइंट 3.√3 तो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो ये आपका P था, ये Q था, ये R था, ये अपने आप सब समझ में आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आप ध्यान से देखें तो ये 3√3 था वाई एक्सिस में, राइट, और ये वाला 3 था, तो ये एंगल मिल चुका आपको, राइट। डायरेक्ट कैसे, टेन थीटा क्या हो जाएगा, 3√3/3, तो डेट इज √3, डेट इज 60 डिग्री। ये एंगल 60 है तो आप जानते हो टोटल एंगल कितना बनेगा, 180, तो ये कितना हो जाएगा, 120।
आपको किसका इक्वेशन करना है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, इसके बाइसेक्ट, तो इसको बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, राइट। तो 120 का हाफ कितना हो जाएगा 60, तो ये एंगल हो गया 60। तो ये लाइन की इक्वेशन बताना, ये लाइन ओरिजिन से पास कर रहा, राइट, तो y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप होगा, सिर्फ हमें स्लोप निकालना है। स्लोप देखो आ चुका है, इस लाइन का पॉजिटिव एक्सिस से स्लोप कितना हो गया 60 प्लस 60 120, यू नो टेन 120 डिग्री कितना होता है माइनस में रूट थ्री। तो इक्वेशन आ चुका है y इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री एक्स, या इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट थ्री एक्स प्लस y इज इक्वल टू जीरो, डेट इज ऑप्शन सी। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर टू में ट्रायंगल एबीसी में जो एंगल है वो एपी में है, लेंथ ऑफ टू लार्जर साइड आपको गिवन था, लेंथ ऑफ थर्ड साइड बताना है। तो अगर किसी ट्रायंगल में एंगल अगर एपी में है तो यू नो कि इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा वाई डिफरेंस इन दोनों के बीच आना चाहिए, एपी का ये मतलब होता है। तो वी कैन से कि एंगल ए अगर मैं 30 लेता हूँ तो एंगल बी 60 और एंगल सी 90 ले सकता हूँ, ये एपी में है, राइट। अपने को बस बेटा जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करके सोचना है, राइट। तो ये एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट, ड्रॉ कर दो आप। अब लार्जर साइड तो यू नो हाइपोटेनस होता है, तो ये 10 है, ये 9 है, तो ये पूछा है, तो राइट ये लेंथ क्या होगा, तो आपको मालूम है रूट अंडर ऑफ 10 का स्क्वायर मतलब 100 माइनस 9 का स्क्वायर तो 81, डेट इज रूट अंडर 19 हो गया, राइट। तो अगर ये 16 होता तो 4 पॉइंट समथिंग होगा। अब ऑप्शन चेक करो, यू नो रूट 5 अगर 4 होता तो 2 होता है, 2 माइनस 1 इससे कम है, नहीं होगा रूट 5, राइट, 2 प्लस 1 3, 4 तक नहीं पहुंच पा रहा है, ये भी नहीं होगा। रूट 6 कितना भी करोगे तो ये 4 तक नहीं पहुंच पाएगा, ये नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि एग्ज़ाम में आपको पूरा कैलकुलेशन कर करके आंसर निकालने से मतलब नहीं है, उससे नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, बस कौन सा ऑप्शन होगा वो भले क्या हो रहा है उसको छोड़ देना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर ए एंड बी। तो अगेन आप एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इंटरसेप्ट एक्सिस पे कितना है ए एंड बी, डैट मीन्स ये इस टाइप की कंडीशन, ये हो गया ए इंटरसेप्ट एक्सिस पे और ये बी इंटरसेप्ट। तो आपको इसका इक्वेशन बता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, राइट। आप क्या कह रहा है कि ऑरिजिन से इस पे क्या किया गया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, इसका लेंथ पी है, राइट। तभी आपको बताया था किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उस पॉइंट को लाइन में पुट कर देना है। तो इसको इधर ले आओगे, राइट, तो 0 बाई ए 0 हो जाएगा, ये भी 0, इधर आएगा तो ये माइनस 1, मॉड लेना है, राइट, तो 1 हो जाएगा, डायरेक्ट में कर देना। रूट अंडर ऑफ इसके कॉफिशेंट का क्या करना था, स्क्वायर करना था, तो 1 बाई ए का स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर और 1 बाई बी स्क्वायर रूट लेना था, राइट। ये किसके बराबर है, पी के बराबर है। तो आपसे पूछा गया है कि 1 बाई ए स्क्वायर और 1 बाई बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो क्या हो जाएगा, अब पहले दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं ये वैल्यू किसके बराबर है, 1 अपॉन पी स्क्वायर। सो ऑप्शन विल बी सी। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में पी एस इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेज पी क्यू आर का गिवन था। तो आपको इंटरसेप्ट बताना है ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1 एंड पैरेलल टू पी एस, राइट। तो देखो कैसे करते हैं, वेरी सिंपल, अगेन आपको मालूम है कि सबसे पहले एक क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लो, पॉइंट पी कहाँ है 2, 2, तो यहाँ पे होगा, राइट, पी 2, 2, क्यू कहाँ पे 6, -1, 6, -1 यहाँ पे होगा, राइट, ये क्यू है 6, -1, आर 7, 3 7, 3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, राइट, आर 7, 3। देखो क्विकली मैं आपको बता दिया, उसके बाद आप मैच कर दो तो आपको ये ट्रायंगल मिल चुका है। पी एस इज द मीडियन, तो मीडियन आपको मालूम है कि ये वाला जो लेंथ है इसको इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा, तो ये एस हो गया। एस के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल सकते हैं, 7 + 6 13/2 हो जाएगा, राइट, और 3 प्लस और ये माइनस हो गया, राइट, तो 3 - 1 तो ये बाई 2 तो ये 1, तो ये कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। आपको क्या कह रहा है कि एक पॉइंट है 1, -1 1, -1 यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, इससे एक लाइन पास करिए जो इसके पैरेलल होनी चाहिए, ध्यान से देखो इसके पैरेलल होनी चाहिए, तो इसके पैरेलल होनी चाहिए, तो ध्यान से देखो ड्रॉ कर दिया। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि ये 1, -1 से जाने वाली जो लाइन है जो पैरेलल टू पी एस है उसका दोनों ही इंटरसेप्ट क्या आने वाला है, निगेटिव, क्योंकि ये निगेटिव वाई है, ये निगेटिव एक्स है।
आंसर या तो सी होगा या डी होगा। देखो बेटा इतना सोचना पड़ेगा, इसलिए ये दो ऑप्शन गए। और यहाँ पे चूंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो ये बात भी क्लियर है कि कुछ ना कुछ फ्रैक्शन आएगा, इसलिए ऑप्शन सी होगा। अगर आपको वो निकालना ही है तो फिर कैसे निकाल सकते हैं, चूंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये वाली तो स्लोप सेम होगा, तो इससे हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप m कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, राइट। तो 1 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1, तो 13 बाई 2 माइनस 2, तो ये कितना हो गया माइनस 1 बाई ये 9 बाई 2, डेट इज माइनस में 2 बाई 9। अब आपको उस लाइन का इक्वेशन लिखना आता है, y माइनस y1, y1 ध्यान दें माइनस वन है, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू स्लोप माइनस में टू बाई वन एक्स माइनस एक्स वन। अब अगर मुझे y इंटरसेप्ट निकालना होगा तो आप ही बताओ क्या होगा, y इंटरसेप्ट निकालना होगा तो y इंटरसेप्ट पे ध्यान दो x जीरो होगा, तो x जीरो पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और वैसे ही x इंटरसेप्ट निकालना होगा तो y जीरो पुट कर देंगे तो आपका ऑप्शन ही आएगा। तो ऐसे बेटा आपको सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर फाइव में बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको गिवन है, उस लाइन के इक्वेशन और वर्टेक्स गिवन है, तो लेंथ ऑफ साइड। तो अगेन ध्यान से देखो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको मालूम है कि हर एंगल कितना होगा 60 डिग्री, राइट। ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए, सारे साइड सेम होना चाहिए, ये बेसिक मालूम है। वर्टेक्स कहाँ पे, 1, 2 पे एक रफ डायग्राम बना दिया, और ये जो लाइन की इक्वेशन है वो गिवन है 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, वही वाला फॉर्मूला लगा करके पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस, तो यस ये आ जाएगा। अगर P निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को इसमें पुट करो तो 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा, ये माइनस 1 मॉड लेते हैं तो 1 अपॉन रूट अंडर ऑफ इसका स्क्वायर और इसके कोफिशियंट का स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन रूट 5, राइट। अब ध्यान से समझो, आपको ये मिल चुका है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, मुझे ये पूरी लेंथ निकालनी है, राइट, यहाँ से यहाँ तक। तो ये लेंथ अगर x होगा तो मैं लगा सकता हूँ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p बाई बी, डैट इज p बाई x। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा p बाई tan 60 डिग्री, राइट। p कितना निकाल चुके हैं 1 बाई रूट 5, और tan 60 कितना होता है रूट 3, राइट, तो इंटू में रूट 3, तो ये कितना आ जाएगा 1 बाई रूट 15। हमें इतना लेंथ अभी मिला है, राइट, और ये पूरा निकालना है तो 2 टाइम्स होगा, तो इसलिए टोटल लेंथ क्या हो जाएगा 2 बाई रूट 15, ऑप्शन बी। अगर सपोज करो बेटा कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कैसे सोचेंगे, ऐसे भी सोच सकते हैं कि बाकी जितने भी ऑप्शन हैं उसमें सारे रूट के अंडर में और यही अलग है, राइट, क्योंकि 2 में रूट नहीं है, तो ऑड वन आउट ऐसा लगा सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, लेकिन कब, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, अदरवाइज सोचने का तरीका आपको बता दियो। क्वेश्चन नंबर सिक्स में एक लाइन ड्रॉ की गई है थ्रू द पॉइंट 1, 2 जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट कर रही है पी क्यू पे, और एक ट्रायंगल बन रहा है ओ पी क्यू वेयर ओ इज द ओरिजिन। एरिया अगर उस ट्रायंगल का मिनिमम होना चाहिए तो स्लोप क्या होगा, तो अगेन सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, राइट। पॉइंट 1, 2 आपका यहाँ पे होगा, यहाँ से कोई लाइन पास कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, ये यहाँ यहाँ पे कट करेंगे, राइट, ये 1, 2 है। तो आपसे पूछा गया कि ये एरिया, ये हो गया, ये एरिया को मिनिमाइज करना है तो स्लोप इस लाइन का क्या होगा, तो एक बात तो क्लियर है कि इस लाइन का स्लोप कैसा होने वाला है, नेगेटिव, राइट, ज़्यादा हो गया 90 से तो नेगेटिव होने वाला है, तो ये ऑप्शन दोनों गए, राइट। अब एरिया मिनिमाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये लाइन जितना वर्टिकल की तरफ जाएगी उतना अच्छा, राइट, ये 90 डिग्री है इसकी तरफ, बट इसी पॉइंट से पास होना चाहिए, ध्यान रहे, राइट, तो क्लोज टू 90 डिग्री होगा बट 90 से ज़्यादा होगा, राइट, तो यू नो टेन 90 से ज़्यादा में टेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू में होगा, तो ऐसा एक ऑप्शन है डैट इज़ ए, क्योंकि ये तो माइनस हाफ है, तो ये पहुँच गया, राइट, ऐसे कर सकते हैं। अगर और सोचना हो तो कैसे, इस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं, ये लाइन कहाँ से जा रहा है 1, 2 से, तो y माइनस y1 स्लोप इस लाइन का अगर मैं मान लिया m, तो क्या हो जाएगा x माइनस x1, राइट, इस लाइन का इक्वेशन आ गया, तो मैं इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ, एक बार y को 0 पुट करके, एक बार x को 0 पुट करके, एरिया क्या हो जाएगा ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस ये वाला, राइट, अगर x, और ये वाला निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट से, तो x इंटू वाई, और इसको क्या करना है मिनिमाइज, तो एक बार क्या करना पड़ेगा, dA by dm इज इक्वल टू 0,
तो यहाँ से जो भी पॉइंट आएंगे राइट, फिर आपको डी टू ए बाई डी एम स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और जहाँ पे ये निगेटिव आएगा वो वाला पॉइंट से आप निकाल सकते हैं। तो ये प्रॉपर मेथड हुआ, बट देखो ट्रिक से कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये तीन लाइन अगर कॉन्करेंट है तो समेशन ऑफ के वैल्यू बताना है। तो यू नो कॉन्करेंट है तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट इनसे, तो क्या हो जाएगा के टू टू, इसका क्या हो जाएगा टू के थ्री राइट, एक्स का एक्स के सामने, वाई का वाई के सामने, कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट के सामने, थ्री थ्री के, और इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए ज़ीरो। तो ओपन करना आता राइट, तो क्या हो जाएगा के इंटू में इधर में के स्क्वायर माइनस नाइन माइनस टू, ये कितना हो जाएगा राइट टू के माइनस में नाइन, और ये कितना हो जाएगा फिर टू टाइम्स ऑफ, ये कैंसिल हो गया राइट, तो ये सिक्स माइनस थ्री के इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा के क्यू माइनस नाइन के माइनस फोर के प्लस एटीन प्लस ट्वेल्व माइनस सिक्स के इक्वल टू ज़ीरो, तो ये आ गया के क्यू माइनस नाइनटीन के प्लस थर्टी इज इक्वल टू ज़ीरो राइट। अब यहाँ हीट एंड ट्रायल क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है राइट, तो यहाँ पे के इज इक्वल टू टू मुझे दिख रहा है कैसे, एट और थर्टी, थर्टी एट हो गया, नाइनटीन टू द थर्टी एट, तो के इज इक्वल टू टू इसका सोल्यूशन है। तो डैट मीन्स के माइनस टू से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, तो अदर दो रूट आएंगे और वो डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर प्लस टू के माइनस फिफ्टीन राइट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो फाइनली इसको आप ऐसे लिख सकते हो के माइनस टू एंड के स्क्वायर प्लस टू के माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू ज़ीरो। एनी हाउ हमें एक रूट मालूम चल गया है कि कितना है टू, और दूसरा रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट, तो सम ऑफ रूट, ऐसा नहीं कि रूट निकालना है, सम ऑफ रूट निकालो, सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो क्या हो जाएगा माइनस में टू बाई वन डैट इज माइनस टू, क्योंकि हमें सब के की वैल्यू का सम करना है राइट। तो दोनों को सम करेंगे तो देखो टू माइनस टू कितना हो जाएगा जीरो, सो ऑप्शन विल बी ए। तो ऐसे बेटा आपको थिंक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कोऑर्डिनेट आपको बताना उस पॉइंट का जो इस लाइन पे लाई कर रहा है और इस लाइन से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर वो पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ऑप्शन चेक करो पहले, ऐसे थिंक करना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो 2x माइनस वाई 5 आना चाहिए, तो ध्यान से देखो अगर ये किया और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो राइट ये 60 हो जाएगा, 2 इंटू 30 से 60 और ये प्लस 5 तो 65 बाय 11 नहीं कटेगा राइट, 55 होना चाहिए, 11 5 द 55 तभी 5 आएगा, ऐसे सोचना है तो राइट। तो इसमें भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये माइनस और वो माइनस है तो नेगेटिव हो जाएंगे। इसमें ध्यान से देखो 60 और माइनस 5 55 बाय 11 तो यही हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये नहीं होंगे, बस हो गया बेटा। तो ये ऑप्शन मैंने नहीं सेट किए, ये एग्जाम के जो क्वेश्चन सब हैं जो पूछे हैं वही हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सॉल्व करना है। सपोज करो सॉल्व भी करना होता सर तो कैसे करते, तो वेरी सिंपल जो बोला है वो करो कि एक पॉइंट इस लाइन पे है, तो मान लेते हैं पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन है राइट, तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो टू एक्स वन माइनस वाई वन इजकल टू फाइव, एक ही क्वेश्चन होगी। दूसरा ये पॉइंट इस लाइन से 1 यूनिट के डिस्टेंस पर राइट, तो इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x1 प्लस 4y1 माइनस 5 इसका मॉड डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दिस शुड बी इक्वल टू 1। यहाँ से दो इक्वेशन दो अननोन फिर सॉल्व करो, तो इतना टाइम नहीं होता बेटा, यही इसी को बोलते हैं कन्वेंशनल अप्रोच। और हमने जो ऐसे थिंक करना बताया कि आप पुट करो और देखो कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है, डैट इज कॉल्ड अल्टरनेट अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस गिवन है, तो सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे विदाउट कैलकुलेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे और पॉइंट को लोकेट करो माइनस टू कॉमा थ्री राइट, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया माइनस टू कॉमा थ्री। दूसरा पॉइंट 6.1 यहाँ पे आ जाएगा राइट, 6.1 ये पॉइंट आ गया, और 4.3 राइट, 4.3 यहाँ पे पॉइंट आ चुका है। अब इन तीनों का मैच कर दें तो ये आपका बन चुका है वो ट्रायंगल राइट। अब सर्कम सेंटर का क्या मतलब है, एक ऐसा सर्कल जो आपका इन तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा हो,
तो अब देखो डायग्राम ड्रॉ करते एक बात क्लियर हो चुका है कि मेरा जो सेंटर आने वाला है, ध्यान से देखो, सर्कल का जो सेंटर होगा वो डेफिनेटली कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। तो ध्यान से देखो, ये नहीं होगा एक्स पॉजिटिव, ये नहीं होगा एक्स पॉजिटिव, ये भी नहीं होगा एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, ये होगा। देखो विदाउट कैलकुलेशन। तो बेटा आपको भी ऐसे थिंक करना पड़ेगा, ऐसे सर से पढ़ना पड़ेगा जो इस तरीके से आपको सोचना बताए, राइट। इसलिए इंडिया में कोचिंग तो बहुत सारे हैं लेकिन सब आपको इस तरीके से नहीं पढ़ा सकते हैं। तो जो सर ऐसे पढ़ाते हैं वहाँ अप्रोच कीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में ए एंड बी आर इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, और एक कंडीशन गिवन है कि 3a = b होना चाहिए और पासेस थ्रू 1, 3, राइट। तो अगर ऑप्शन से जाएंगे तो 1, 3 सबको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो वो कोई बात नहीं है। अब 3a = b होना चाहिए, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन रही क्योंकि 3, 6 है, इस वजह से मैं चेक कर रहा हूँ, राइट। और चूंकि इंटरसेप्ट है तो एक बार x को अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, y 6, और एक बार y को 0 पुट किया तो x कितना आ जाएगा, 2, और इसी में ही 3 times रिलेशन है। देख लो कि 3a = b होना चाहिए, तो हो रहा है, राइट। कैसे कि 3 times of a = b हो रहा है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे चेक करना है। बाकी ऑप्शन को क्यों नहीं चेक किया सर आपने, क्योंकि यहाँ पे बेटा 10/3 समथिंग फ्रैक्शन में आता, राइट। यहाँ पे भी 8/3 फ्रैक्शन में आता, यहाँ पे भी 3/2 फ्रैक्शन में आता, समथिंग फ्रैक्शन में आता, राइट। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन वाला चीज़ है नहीं, और निगेटिव पॉजिटिव भी आ सकते थे, तो इस तरीके से थिंक करना होगा। तो आई होप मैंने ये 10 क्वेश्चन लेकर के आपको थिंक करने का पूरा आइडिया बताया। ये सारे क्वेश्चन बेटा किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए। अगर आप इस तरीके से थिंक करना शुरू कर दिए तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आज के इस वीडियो लेक्चर में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से आने वाले प्रॉब्लम को एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करेंगे, उसके प्रॉब्लम को कैसे थिंक करना है, उसका मैं अप्रोच बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ध्यान से देखो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, कि दो लाइन होंगी आपके पास स्ट्रेट लाइन, एक y = m1x + c1 मान लियो और एक y = m2x + c2 मान लियो। अब ये दोनों लाइन के इक्वेशन को क्या करना है, कंबाइंड फॉर्म में लिखना है। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर करके लिख सकते हो, राइट, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ये एक स्ट्रेट लाइन, दोनों का प्रोडक्ट = 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो y का स्क्वायर आएगा, राइट, ध्यान से देखो, x के भी स्क्वायर आएंगे, राइट, एक्स वाई का कॉफिशियंट आएगा, राइट, y के सिर्फ कॉफिशियंट आएंगे, x के कॉफिशियंट आएंगे और सम कॉन्स्टेंट आएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को तभी रिप्रेजेंट करेगा जब ये डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। और ये कैसे लिखना, वेरी सिंपल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है उसको ए बी, राइट, और जो कॉन्स्टेंट हमें सी, ए बी सी डायगनली लिख लेना, उसके बाद एफ जी एच ऐसे जाना आपको, तो एफ जी एच अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर ऐसे जाना आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, राइट, तो एफ जी एच, ये डिटर्मिनेंट अगर 0 हो रहा है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंडीशन है। वेरी लेस इस पर बेस क्वेश्चन आते हैं जस्ट समझने के लिए। एक और कंडीशन आप चेक कर सकते हो कि एच स्क्वायर की वैल्यू, डेट मीन्स एक्स वाई के कॉफिशियंट का जो हाफ होगा उसके स्क्वायर की वैल्यू ए बी, डेट मीन्स एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कॉफिशियंट जो होंगे उसका प्रोडक्ट से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए, राइट। ये सबसे ज़्यादा यूज होंगे कि ये दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, 2 times √h² - ab / a + b, वेयर आपको मालूम है ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट है, बी वाई स्क्वायर का कॉफिशियंट है, एच एक्स वाई के कॉफिशियंट का आधा है, ये ध्यान रहे, एक्स वाई के कॉफिशियंट का आधा है, और ये तो इसका मॉड ले लिया तो ये एंगल दो स्ट्रेट लाइन के बीच आ जाएगा, इसका मैं यूज करूँगा, राइट। ये दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, उसके लिए कंडीशन अगेन ये वाला भी काफ़ी यूज होगा, इसको भी ध्यान रखना है, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट का सम 0 होना चाहिए, डेट मीन्स जितना ये होगा उतना ही न्यूमेरिकल वैल्यू येगा, ये प्लस होगा तो ये माइनस, या ये प्लस होगा तो ये माइनस होना चाहिए, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। ये दो स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल होंगी तो एच स्क्वायर माइनस ए बी को तभी 0 हो पाएगा, राइट, टेन 0 होता है, तो यहीं से कंडीशन निकाल रहे हैं, ये 0 हो जाएगा तो इन्फिनाइट हो जाएगा 90 डिग्री, और ये 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा तो पैरेलल हो जाएंगे। प्लस एक और कंडीशन है bg² = af² या फिर a/h = h/b = g/f, यानी हाँ, तो ये एक फर्स्ट पॉइंट है, राइट।
इस पे बेस क्वेश्चन कम आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन ये आते हैं, वैसी पेयर ऑफ एस्टलाइन जो ओरिजिन से पास हो, डेट मीन C1 C2 जीरो कर देंगे तो फिर ये एक होमोजीनियस इक्वेशन आ जाएगा पावर 2 में, ax2 2hxy + by2, बस इतना ही रहेगा, राइट। तो ये पासिंग थ्रू ओरिजिन है, दो स्ट्रेट लाइन है इसमें कंबाइंड फॉर्म में, तो ये जो दो लाइन का स्लोप का सम होगा वो माइनस में 2h/b, अगेन 2h कौन सा है, xy का कोफिशियंट है, राइट, और by b माइनस आने में, और जो प्रोडक्ट होगा स्लोप का वो a/b, डैट मीन्स x² कोफिशियंट बाई y² का ऑफेंशन। कभी कन्फ्यूजन हो तो बी से बी लो होता है ऐसा आप याद रख सकते हो, ए से ए बब होता है तो ऐसा याद रख सकते हो, ए ऊपर होगा बी नीचे होगा, एनी हाउ तो ये इंपॉर्टेंट है, ये यूज होंगे। जो सबसे ज़्यादा यूज करूँगा मैं वो पॉइंट नंबर 3 कि कभी भी अगर आपको इस फॉर्म में दे दे तो आप दोनों स्ट्रेट लाइन को निकाल सकते हो, बिल्कुल आपको मानना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिस तरह से फैक्टर मेथड से उसके रूट निकालते हैं वैसे ही फैक्टराइज कर लेना आपको, डेट तो ऐसा नंबर आपको चूज करना है जो मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के बराबर आए और ऐड करने पर इनके बराबर आ जाए, जैसे आप क्वाड्रेटिक में फैक्टर निकालते हो वैसे ही, तो इसलिए मैंने ये लिखा है और यहाँ आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। कहने का क्या मतलब है कि वो लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, जैसे ये y = m1x y = m2x, बाकी कोई पॉइंट अगर लाइन पे होगा तो वो सेटिस्फाई करेगा, वो चीज़ है ही। और फोर्थ पॉइंट जो ऑलवेज आपको अप्लाई करना है, जहाँ से मैं आपको थिंकिंग आइडिया बताऊँगा कि ऑलवेज नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करना है, तो ये इतने पॉइंट आपको ध्यान रखना है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे, इससे हम सारे प्रॉब्लम कर लेंगे। तो अभी मैं एप्लीकेशन प्रॉब्लम लेकर के आपको बताता हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्ञान की बात कि अगर आपको दो लाइन हो जो पासिंग फ्रॉम ओरिजिन हो और उसका कंबाइंड इक्वेशन को सर्च करना हो, हैविंग एक स्लोप पॉजिटिव है, ध्यान से देखो, और एक स्लोप नेगेटिव है, तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि जब कोई दो लाइन का एक स्लोप पॉजिटिव हो एक स्लोप नेगेटिव हो और दोनों पासिंग फ्रॉम ओरिजिन हो, तो उनका जब कंबाइंड इक्वेशन लिखोगे तो आप कैसे पहचानोगे कि वो होगा कि नहीं, तो ध्यान से देखो, y² का जो कोफिशियंट आएगा और x² कोफिशियंट वो ऑलवेज अपोजिट साइन का होगा, ध्यान दे साइन अपोजिट होगा, ये प्लस होगा तो ये माइनस और ये माइनस होगा तो ये प्लस, इक्वल होंगे इसकी गारंटी नहीं है, वो तो डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो, राइट, लेकिन साइन अपोजिट होंगे कैसे, तो यहाँ से ध्यान से देखो, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ध्यान में रखना है, तभी हमें एग्जाम में ऑप्शन को छांटने में या ऑप्शन को रिमूव करने में ईजी होगा, राइट। वैसे यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये एक लाइन है जिसका स्लोप तो निगेटिव है लेकिन इंटरसेप्ट दोनों पॉजिटिव है, राइट, और ये एक लाइन है जिसका स्लोप तो पॉजिटिव है लेकिन एक एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव है, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो ये लाइन की इक्वेशन हो गई। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, अगेन स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव है, तो डेफिनेटली x² और y² का जो कोफिशियंट का जो साइन होगा वो अपोजिट साइन होगा, तो वहाँ से ऑप्शन को हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे। और एक और पॉइंट कि अगर एक का दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और एक का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसका नेगेटिव साइन आएगा, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो 3 to the -6, तो इससे आप बहुत सारे ऑप्शन को हटा सकते हो, फिर अगर वो एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है तो फिर सेटिस्फाई कर करके क्विकली विदाउट सॉल्विंग एक मिनट के अंदर में आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो ये दो पॉइंट को ध्यान में रखना है, इसको अभी मैं प्रॉब्लम में यूज भी करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 में सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल बताना है फॉर्म बाय द लाइन x + 3y = 10 एंड ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन है, तो ध्यान से देखो कैसे करना है। सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, नीट एंड क्लीन डायग्राम, राइट, ये लाइन ईजी है लोकेट करना, राइट, अगर x 0 पुट करोगे तो y 10/3 तो यहाँ पर कहीं पर होगा, और y 0 पुट करोगे तो x 10 तो यहाँ पर कहीं पर होगा, ये 10, 0 और ये 0, 10/3, तो ये लाइन आपको मिल चुकी है, आप ऐसे ड्रॉ कर दो, राइट, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कैसे थिंक करना है, वाई का कोफिशियंट नेगेटिव आ रहा है और एक्स का कोफिशियंट पॉजिटिव है, तो एक बात क्लियर है कि एक लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा और एक का नेगेटिव, तभी इस टाइप का कंडीशन आएगा, राइट, तो एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूँ मैं, सोचो एक का अगर पॉजिटिव होगा तो y + mx और एक का नेगेटिव होगा तो y - mx, राइट, = 0, m1 m2 मानना है तो मान लो, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि तभी इसमें नेगेटिव आएगा और इसमें पॉजिटिव, एक में पॉजिटिव नेगेटिव है, तो एक बात क्लियर है कि एक लाइन का जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा तो ऐसे कुछ होगा, और एक लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा तो ऐसा कुछ होगा पासिंग फ्रॉम ओरिजिन होंगे, तो ध्यान से देखो, तो जो ट्रायंगल आपका बना है वो ये है एक्चुअली में, राइट, तो
ये तो 0.0 ही है। तो एक बात क्लियर है कि जो सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, पॉजिटिव होगा, तो ध्यान से देखो ये दो ऑप्शन नहीं होंगे। ऐसे बेटा आपको थिंक करना पड़ेगा, अब इन दोनों में से कोई होंगे, राइट। वैसे अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखो तो ये अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो नेगेटिव में ज़्यादा होगा, तो नेगेटिव वाला हो सकता है, बट ठीक है, रिस्क लेने को ले सकते हैं। बट अगेन सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ से ध्यान से देखो, 6x² प्लस xy माइनस y² इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन को मल्टीप्लाई करके लाया हुआ है, राइट। तो अभी आपको बताया 6 × −1 − 6, तो आपको ऐसा दो नंबर थिंक करना है, जोड़ने पे ही आए, मल्टीप्लाई करने पे ही आ जाए, राइट। जैसे क्वाड्रेटिक में करते हैं तो 2 और 3 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, तो ध्यान से देखो 6x² प्लस 3xy माइनस में 2xy माइनस में y² इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। 3 × −6 आ गया, देख लो, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा। इसमें 3x कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो 3x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, ध्यान से देखो, 2x राइट प्लस y आ जाएगा, 6x² प्लस 3xy, और इसमें कौन सा कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस y कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से समझ में आ गया, एक 3x माइनस y है और एक 2x प्लस y है। तो वही बोल रहा था कि एक लाइन क्या आपका y इज इक्वल टू 3x और एक लाइन क्या y इज इक्वल टू माइनस में 2x। वही मैं बोल रहा था, एक का स्लोप पॉजिटिव, एक का नेगेटिव होगा। तो ये y को पुट कर दोगे अगर यहाँ पे, तो आपको x कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तो आप निकालोगे तो ये 1.3 आएगा और ये −2.4 आएगा। समझे कैसे, ये y इज इक्वल टू 3x पर पुट कर दो तो x वहाँ से आ जाएगा, राइट, और फिर y इज इक्वल टू −2x। तो ये क्यों, क्योंकि ये लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ से देख सकते हो सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, 4 + 3 = 7 + 0/3, तो 7/3, और यही −2 = 1, तो −1 + 0, तो −1/3, तो ऑप्शन सी। तो इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करने से आप 50-50 में पहुँच सकते हो। कभी कभी ऐसा होगा कि एक ही ऑप्शन होगा, तो अच्छे से इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है लाइन L1 और L2 पे ओरिजिन से, और एंगल बना रहा है π/4 3π/4, राइट, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, और जो लाइन है वो यूनिट डिस्टेंस पे है। तो इक्वेशन क्या होगा कंबाइंड फॉर्म में, तो अगेन ध्यान से देखो, सबसे पहले नीट एंड क्लीन डायग्राम, और उसके बाद ही कुछ पता लगेगा आपको। तो दो लाइन है L1 L2 और ओरिजिन से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो एक लाइन ये L1 हो गया, राइट, और एक लाइन ये L2 हो गया आपका, राइट। ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ये ड्रॉ किया गया, ये 1 यूनिट पे है, तो कह रहा है कि ये π/4 45 डिग्री π/4 एंगल बना रहा है, और ये भी ओरिजिन से परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ किया, राइट। तो ये जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस से कितना बना रहा है, 3π/4, राइट। डैट मीन्स ये कितना हो जाएगा फिर से, π/4। यहाँ तक ड्रॉ करने से समझ में आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये π/4 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, π/4 हो जाएगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 3π/4, डैट मीन्स इस लाइन का स्लोप मुझे मिल गया क्विकली, कितना हो जाएगा, −1, राइट, tan थीटा से। और इस लाइन का स्लोप देखो, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, तो इस लाइन का स्लोप है 1, राइट। ये पॉइंट, ये डिस्टेंस अगर 1 है, तो ये पॉइंट भी मुझे मिल गया, 1 cos थीटा 1 sin थीटा से, 1/√2, 1/√2। तो एक लाइन जिसका स्लोप मालूम है और किस पॉइंट से जा रही है, तो हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, ऐसे भी थिंक कर सकते हैं। एक और चीज़ हम थिंक कर सकते हैं कि ये जो लाइन है L1, इसका दोनों x और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, जबकि जो लाइन L2 है उसका x नेगेटिव है और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो लाइन L1 का दोनों इंटरसेप्ट क्या है, ध्यान से देखो, पॉजिटिव है, राइट। तो ये कैसा लाइन हो सकता है, y प्लस x, क्योंकि स्लोप नेगेटिव होने वाला है, राइट, −c, ऐसा होगा। कैसे, ध्यान से देखो, तो अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो −x स्लोप नेगेटिव हो जाएगा और ये +c तभी जा करके, राइट। तो एक बार y को 0 पुट करेंगे तो c पॉजिटिव आएगा, x को 0 पुट करेंगे तो c पॉजिटिव, तो ये लाइन होगी। और ये वाले में अगेन y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, y − x + c, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0। ध्यान से देखो कैसे सोचना है। तो एक बात तो क्लियर है कि जो कॉन्स्टेंट में है वो माइनस आने वाला है, राइट, और 1/√2 सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ध्यान से देखो, 1/√2 किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे, ये प्लस माइनस यही 0 हो सकता है, ये प्लस माइनस ये 0, ये माइनस माइनस है तो नहीं हो सकता, ये प्लस प्लस है तो नहीं हो सकता, राइट। तो सी या डी में से होगा, और चूंकि जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसमें नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव है, तो ऑप्शन सी होगा,
ऐसे थिंक करना है। बाकी एक और मेथड है जो आप जानते होंगे कि ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से भी कर सकते हैं एक्स कॉस अल्फा पाई बाय फोर तो वन बाय रूट टू प्लस वाई इंटू साइन अल्फा वन बाय रूट टू इज इक्वल टू वन। तो ये एक लाइन की इक्वेशन आ गई, दूसरे लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, फिर मल्टीप्लाई करके लिख दो। लेकिन मैं सोचने का तरीका समझा रहा हूँ बेटा कि कैसे कैसे आपको एग्जाम में थिंक करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री में पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और आइसोसेलिस भी है, राइट। और राइट एंगल कहाँ पे, क्यू पे है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पी आर भी आपको गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स पी क्यू एंड क्यू आर बताना है। तो अगेन नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करो, राइट। एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप बना लो, और आइसोसेलिस से मतलब ये साइड इक्वल होंगे, राइट। तो डैट मीन्स ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा। ये सब चीज़ें आपको समझना बेटा, एकदम बेसिक, राइट। ये 90, तो क्यू पॉइंट आपको दे दिया 2.1, ये पी हो गया, ये आर हो गया। पी आर की आपको दे दिए इक्वेशन, ड्रॉ करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा 2x + y = 3। तो आपको क्यू आर और पी क्यू का कंबाइंड इक्वेशन बताना है। तो ध्यान से देखो, क्यू आर और पी क्यू 2.1 से पास आउट हो रहा है, तो डैट मीन्स 2.1 सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। तो ऑप्शन में डाल करके चेक कर लो, तो ऐसा एक ही ऑप्शन ऑप्शन है, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो ऐसे भी थिंक करना पड़ेगा, नहीं सर मुझे करना ही है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। इस लाइन का स्लोप मिल चुका, राइट, क्या हो जाएगा, माइनस में 2, राइट। अब ध्यान से देखो, इस लाइन का स्लोप निकालना है, एंगल पहले से मालूम है, तो लगा दो वो फार्मूला, टैन थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 1 + m1 m2 इसका मोड। तो चूंकि इस लाइन का स्लोप मुझे मालूम है, इस लाइन का स्लोप अगर मैं m मानूंगा, एंगल मालूम है, तो यहाँ से आ जाएगा, राइट। क्योंकि एक तो m1 अगर सपोज करो -2 है तो m2 आपको निकालना है। वैसे ही इन दोनों लाइन के बीच का अगर एंगल मालूम है तो फिर से पुट करके मैं निकाल सकता हूँ, राइट। वैसे भी मॉड है तो 2m की वैल्यू आ जाएंगी, प्लस माइनस दोनों लाइन का स्लोप आ गया और पॉइंट 2.1 से पास हो रहा है, तो आप लाइन लिख सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो वो तो एक मेथड हुआ, लेकिन वो कन्वेंशनल मेथड हुआ। राइट अप्रोच तो ये है कि डायग्राम ड्रॉ करो फिर सेटिस्फाई करने, क्योंकि इन्हीं चारों में से कोई ऑप्शन होगा, राइट। तो एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर में एंगल बिटवीन द लाइन अगर आपको गिवन है कि टेन इनवर्स 1/3 है तो लेमडा की वैल्यू बताना, और क्या कह रहा है, लेमडा ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए, और फिर से ऑप्शन दे रहा है -1, तो ये तो वैसे ही चला गया, राइट। तो ऐसे भी थिंक करना, ये सब ऑप्शन मैंने सेट नहीं किया, ये सब पी वाई क्यू प्रॉब्लम है, राइट। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये ऑप्शन वैसे नहीं होगा, तो अब इन तीनों में से होगा, राइट। अब इसके बीच का एंगल अभी आपको बताया कैसे लिखते हैं, एंगल गिवन है थीटा, कितना गिवन है आपको, टेन इनवर्स ऑफ 1/3, तो इसलिए टेन थीटा कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आओगे तो 1/3, एंगल 1/3 है, राइट। तो क्या होता है, मॉड ऑफ 2 times ऑफ रूट अंडर ऑफ एच स्क्वायर क्या होता है, एक्स वाई के कोफिशियंट का आधा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 9/4 3/2 का स्क्वायर, राइट। माइनस ए बी, तो ए 1 है और बी लेमडा, तो माइनस लेमडा बाई ए प्लस बी, तो ए क्या हो जाएगा 1 + लेमडा, और इसका ये रहेगा, राइट। दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 1/9 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 4 times ऑफ 9/4 माइनस लेमडा, नीचे में 1 + लेमडा का स्क्वायर। अब ऐसा नहीं बेटा कि इसको सॉल्व करना है, चूंकि ऑप्शन गिवन है, राइट, थिंक करना पड़ेगा। ऑप्शन गिवन है तो पुट करके देखो, अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो ध्यान से देखो, 4 to the 8, तो 9 - 8 1/4, राइट। तो 1/4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, और इधर 1 + 2 3 का स्क्वायर 9, तो आ रहा है 1/9, डैट मीन्स लेमडा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2, क्योंकि ऑप्शन गिवन है। ऐसा नहीं कि इसको क्वाड्रेटिक बनाओ सॉल्व करो, इतना टाइम नहीं है, पुट करो और आंसर पाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में ये एक पेयर ऑफ लाइंस है और परपेंडिकुलर है, तो अल्फा की क्या वैल्यू होगी। तो ध्यान से देखो, पहले इसको ओपन कर लो, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, राइट, प्लस बी स्क्वायर, राइट, प्लस 2ab 2x cos अल्फा y sin अल्फा, दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच। यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो x स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस y स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा, राइट। तो यहाँ से ध्यान से देख सकते हो, एक्स वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा से ये कैंसिल हो जाएंगे, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, राइट, और प्लस में 2x कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। अब ये पेयर ऑफ लाइन परपेंडिकुलर होंगी, तो आपको क्या बोला था, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट ये हैं
कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे बाय द वे है ही नहीं, तो ओके तो जीरो, और इसका सम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। डैट मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर होना चाहिए, साइन स्क्वायर अल्फ़ा के। तो कॉस और साइन कब बराबर होते हैं, जब एंगल कितना हो, पाई बाय फोर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। इस तरीके से आपको थिंक करना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3, -2 एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन आपको बताना है। तो ध्यान से देखो कैसे थिंक करेंगे। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे, राइट। तो ये ड्रॉ कर दिया, पॉइंट 3, -2। 3, -2 कहाँ पे होगा, इधर कहीं पे होगा, राइट, 3, -2। अब एक बात समझना है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अगर इसमें ध्यान से देखो तो ये एक पॉजिटिव है एक्सेसर कॉफिशेंट और ये नेगेटिव है। ये कब हो सकता है, अभी समझाया था, ये तभी हो सकता है जब इसमें एक लाइन पॉजिटिव स्लोप में हो और एक लाइन नेगेटिव में, तभी माइनस आ सकता है, राइट। दोनों का कोफिशिएंट का साइन तभी अपोजिट हो सकता है जब एक लाइन का स्लोप पॉजिटिव हो, एक का नेगेटिव। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। तो इसमें एक लाइन का स्लोप अगर m पॉजिटिव है और दूसरे लाइन का स्लोप m नेगेटिव है, क्योंकि जो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है वो परपेंडिकुलर है इसके, तो इसका पॉजिटिव है तो स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होना चाहिए, राइट, क्योंकि 90 डिग्री होना है। तो इसका पॉजिटिव है तो उसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, और इसका नेगेटिव है तो उसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। देखो बेटा कैसे थिंक करना बता रहा, क्यों, क्योंकि m1 m2 कितना होना चाहिए, -1, उससे बता रहा हूँ। तो नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, तो अगेन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशियंट डेफिनेटली फिर से क्या होने वाला है, अपोजिट साइन का होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ये प्लस प्लस है तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, यहाँ पे ये माइनस है ये हो सकता है, यहाँ पे ये माइनस है हो सकता है, यहाँ पे अगेन दोनों प्लस है नहीं हो सकता, तो दो ऑप्शन निकल गए। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझना है कि ये जो लाइन है तो ये लाइन को क्विकली कैसे करना वो भी बता रखा हूँ। ध्यान से देखो कैसे करेंगे, 5x² प्लस 2xy माइनस में 3y² इज इक्वल टू 0, 5 3 15, राइट। तो 5 3 ले सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5x² प्लस 5x माइनस में 3xy माइनस में 3y² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन ले सकते हैं, 5x, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, x प्लस वाई। यहाँ से कॉमन लेना है तो आपको क्या ले सकते हैं, माइनस में 3y, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, x प्लस वाई। तो एक लाइन आपको आ चुकी है 5x माइनस 3y और एक लाइन आ चुकी है x प्लस वाई। ध्यान से देख सकते हो, एक का स्लोप पॉजिटिव एक का नेगेटिव, आया वही बात, राइट। तो इसका स्लोप मालूम हो गया मुझे, तो उस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस में 1/n, और इसका भी स्लोप, दो लाइन का स्लोप मालूम है आपको, पॉइंट किस पॉइंट से जा रहा है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके लिख दो तो ऑप्शन तक आ जाएंगे, राइट। एक और तरीका ऐसे कि क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, एक जो लाइन है वो आपका इस टाइप से होंगी और एक लाइन इस टाइप से होंगी। तो एक आपको जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ध्यान दे, तो ये लाइन इस पॉइंट से पास होना चाहिए, तो इस पे परपेंडिकुलर ये और इस पे परपेंडिकुलर ये, राइट, ये पॉइंट से पास होना चाहिए। तो एक ये लाइन आपका और एक ये लाइन है, इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन बताना था, तो 3, -2 उसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन में चेक करोगे तो ऑप्शन बी में सेटिस्फाई करेगा। या आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है, इस लाइन का एक इंटरसेप्ट पॉजिटिव है एक्स और एक निगेटिव है, राइट, और इस लाइन का दोनों निगेटिव रहेगा। तो ये कब हो सकता है, जब सी वाला कॉन्स्टेंट टर्म एक में प्लस में हो और एक में माइनस में हो। तो इसीलिए जो प्लस माइनस होगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, वाई प्लस एम एक्स प्लस सी होना चाहिए एक, और एक वाई माइनस एम एक्स माइनस सी होना चाहिए, राइट। तो यही कहना चाह रहा हूँ कि ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आना चाहिए, तो यहाँ माइनस है जबकि यहाँ कितना था प्लस, तो इसलिए ये नहीं होगा, ऑप्शन बी। तो ध्यान से देखो बेटा, मैंने थिंक करने का तरीका बताना चाहता हूँ, आपको इतना थिंक करना आ गया तो डेफिनेटली आप हर प्रॉब्लम को इजीली कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 में स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ स्लोप बताना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, तो ये पेयर ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन है, राइट। तो इसको लिख लो यहाँ पे, ax² प्लस 2 times ऑफ a प्लस 1 इंटू xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो एक का स्लोप अगर मैं m लेता हूँ तो दूसरे का स्लोप क्या हो जाएगा, 1/m, क्यों, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है, राइट। तो सम ऑफ द स्लोप अगर मैं निकालूँ m प्लस 1/m सम ऑफ द स्लोप, तो वो क्या था, माइनस में 2h/b, राइट। तो xy के कोफिशियंट, राइट, क्या है,
टू ए प्लस वन है, राइट। तो एक्स वाई का कोफिशेंट टू ए प्लस वन और इसका माइनस बाई बी फॉर बी लो तो बाई टू, तो ये हो जाएगा। और जो प्रोडक्ट होगा एम वन इंटू वन बाई एम डेट इज वन, और ये किसके बराबर होगा तो ए बाई बी डेट इज ए बाई बी डेट इज टू। तो यहाँ से ध्यान से देखो तो डायरेक्ट आपको आ गया ए टू। अगर ए टू आ गया तो पुट कर दो यहाँ पे, राइट। तो कितना आ जाएगा, फोर प्लस वन फाइव बाई टू, वो अभी माइनस में, राइट। अब हमें क्या करना है कि सम ऑफ स्क्वायर निकालना है, डैट मीन्स एम स्क्वायर प्लस वन बाई एम का स्क्वायर, ये निकालना है। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक चाहिए था, प्लस टू ए बी, तो एम इंटू वन बाई एम, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, शुड बी इक्वल टू कितना 25 बाई फोर, राइट। तो सिर्फ इतना चाहिए, तो ये टू उधर चला जाएगा, तो कितना जाएगा 25 बाई फोर माइनस टू, राइट। तो माइनस एट हो गया, तो ये कितना हो गया 17 बाई फोर, सो योर ऑप्शन विल बी ए। तो ऐसे आपको थिंक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर एट में ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड ट्राई सेक्टिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट, और आपको बताना है। तो ट्राई सेक्टिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या मतलब हुआ, बहुत सारे बच्चे ये पॉइंट नहीं समझ पाते हैं। ट्राई सेक्टिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट को ट्राई सेक्ट करना मतलब तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, राइट। तो ये एंगल भी 30 डिग्री, ये एंगल भी 30 डिग्री और ये एंगल भी 30 डिग्री, ये कहने का मतलब है। तो इस लाइन का स्लोप आपको मिल चुका, राइट, टेन 30 कितना हो गया 1/√3। इस लाइन का भी मिल चुका है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से लेते हैं तो ये टेन 60, तो ये इस लाइन का होगा √3। एनी हाउ, तो ध्यान से देखो, तो एक है वाई इक्वल टू √3x और एक है वाई इक्वल टू 1/√3x। इसको इधर लाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, वाई माइनस √3x इज इक्वल टू 0, और ये कैसा हो जाएगा, वाई माइनस 1/√3x इज इक्वल टू 0। समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है वाई माइनस √3x और y माइनस 1/√3x। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ध्यान से देखो, तो y का कॉफिशेंट पॉजिटिव आएगा और ये माइनस माइनस है, x स्क्वायर का कॉफिशेंट भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो दोनों कॉफिशेंट पॉजिटिव होना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में, डेट इज ऑप्शन है। देखो इसमें नेगेटिव है और वैसे भी इक्वल है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर तो है नहीं, इनके बीच 30 डिग्री एंगल है, ये नेगेटिव है नहीं होगा, ये भी अगेन नेगेटिव है एंड 1 है, डैट मीन्स अपोजिट साइन है और इक्वल भी है, तो ये भी परपेंडिकुलर लाइन हो गई, तो वो तो है ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन ए होगा, ऐसे करना है। हेलो एवरीवन, कैसा का है, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सर्कल के बारे में एंड जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा उससे आप इस पे बेस्ड आने वाले किसी प्रॉब्लम को बहुत ईजिली कर सकते हो। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले कि सर्कल की इक्वेशन आप कैसे पहचानेंगे, तो वेरी सिंपल है, पॉइंट सब पे ध्यान रखना। सर्कल की इक्वेशन आप कैसे पहचानेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशेंट पॉजिटिव होना चाहिए और इसके आगे जो नंबर होंगे इन दोनों के आगे वो इक्वल होना चाहिए, लाइक 5, 5, 6, 6, 7, 7 ऐसा। बट हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करके 1, 1 में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये पॉइंट का ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट आपको 1 बना लेना है, किसी भी फॉर्म में गिवन है तो, और वाई स्क्वायर का भी कोफिशियंट 1 बना लेना है, डैट मीन्स इक्वल कर लेना और इक्वल में 1 बना लेना अगर 1 आगे कोफिशियंट ना गिवन हो तो, और दोनों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। बात समझ में आ गए। उसके बाद एक्स के कुछ कोफिशियंट होंगे, वाई के होंगे और सम कॉन्स्टेंट टर्म होगी, इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट वही है एक कि इक्वल साइन के राइट साइड में आपको 0 रखना है, कुछ भी कांस्टेंट टर्म है तो सबको उधर ले लेना है, लेफ्ट में पूरा रखना है, राइट में इक्वल टू 0 करना है। तो अगर इस फॉर्म में ले आएंगे, जैसा कि यहाँ पे मैंने एक दिखाया, तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है। तो आपको क्या करना है, सर्कल का सेंटर अगर निकालना होगा तो एक्स के जो कॉफिशेंट है, जो भी साइन है उस साइन के साथ, तो एक्स के कॉफिशेंट का हाफ कर देना है, और ऑलरेडी बाहर निगेटिव ले रहा हूँ, आपको यहाँ पे विथ साइन पुट करना, ध्यान रहे, एक्स का जो भी कॉफिशेंट होगा, जो साइन होगा आगे, वो साइन के साथ उसका आधा कर देना वैल्यू और ऑलरेडी माइनस लगा देना। वैसे ही वाई के कॉफिशेंट का आधा विथ साइन पुट करेंगे, ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ है, तो आपको सर्कल का सेंटर आ जाएगा। वेरी सिंपल, एक्स के कॉफिशेंट का आधा, वाई के कॉफिशेंट का आधा, जो भी यहाँ पे साइन होगा उस साइन के साथ यहाँ पे रखना और एक साइन ऑलरेडी माइनस पहले से ले लेना। डैट मीन्स यहाँ पे अगर प्लस है
तो ये वाला जो सेंटर होगा इसका वो माइनस वाले में होगा, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, राइट। रेडियस कैसे निकालेंगे, तो वेरी सिंपल, जो ये जो दो पॉइंट आपने निकाला है x1 y1 सेंटर, उन दोनों का स्क्वायर करना है, और जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको विथ साइन पुट कर देना, ध्यान दे। यहाँ पे ध्यान से देखना है, जो x के कोफिशियंट का आधा किया, y के कोफिशियंट का आधा किया, डेट इज x1 y1, उसको तो स्क्वायर कर दिया, तो नेगेटिव और पॉजिटिव वो डजेंट मैटर, राइट। सिर्फ यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, माइनस सी, पहले ही माइनस लिया है तो सी जिस साइन के साथ होगा वो साइन के साथ पुट करना, ये ध्यान रहे। ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, डेट मीन्स यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस होता है यहाँ पे तो माइनस हो जाता। तो सेंटर निकालना इजी है, रेडियस निकालना इजी है, और ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब जैसे इसी से मैं अब एक पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ, कभी भी सर्कल का क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लो ये इक्वेशन है, तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि जो सेंटर होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो माइनस थ्री होगा, तो आप क्विकली एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लें, और माइनस थ्री ध्यान से देखो, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री यहाँ हो गया, तो ये हो गया माइनस थ्री मेरा, राइट। और वाई का कोफिशियंट का आधा तो प्लस में टू, तो वन टू ऊपर में जाएंगे तो ये हो गया टू, तो ये सेंटर आ गया आपको। अब आपको मालूम है रेडियस निकाल सकते हैं, थ्री का स्क्वायर नाइन और टू का स्क्वायर फोर थर्टीन, और माइनस प्लस हो जाएगा तो सिक्सटीन, सिक्सटीन का स्क्वायर रूट फोर, तो रेडियस फोर होना चाहिए। तो अगर मैं इसी लाइन पे चलूं, तो इस लाइन पे चलने मतलब क्या हो गया कि आपने वाई को फिक्स कर दिया, तो मुझे रेडियस फोर चाहिए, तो फोर यूनिट जाना पड़ेगा मुझे इधर, तो वन टू थ्री फोर, इसलिए एक यहाँ पर आएगा। इसका मैं कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ, ये तो y एक्सिस 2 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 1.2, डैट मीन्स ये सर्कल 1.2 से पास होगा, आप देख सकते हो पुट करके सेटिस्फाई करेंगे एकदम बिल्कुल ऐसे। इसी लाइन पे चल रहे हैं तो ये तो y कोऑर्डिनेट तो 2 ही रहेगा, x कोऑर्डिनेट की बात करें तो 4 यूनिट इधर जाना है, तो कितना हो जाएगा, दिस वन माइनस फोर, दिस वन माइनस फाइव, सिक्स सेवन, तो माइनस 7.2 भी इस सर्कल पे होगा। ये सब पॉइंट से आपको एक आइडिया लग जाएगा, कोई दूसरा पॉइंट दे रहा है तो कहाँ होगा किधर होगा सब आइडिया लग जाएगा, इसलिए ट्रिक का यही पॉइंट है। फिर अगर मैं वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ करूँ, तो आप ध्यान से देखो, तो ये भी रेडियस ही होगा, राइट। तो अब यहाँ पे ये माइनस थ्री, एक्स तो फिक्स हो गया, चार यूनिट ऊपर जाना दो था, तो ये कितना हो जाएगा माइनस थ्री कॉमा सिक्स। वैसे ही ये वाला माइनस थ्री तो होगा ही, और चार यूनिट नीचे आना दो यहाँ दो है, तो माइनस टू। तो ये चार पॉइंट तो आपको एक आइडिया होना चाहिए सेंटर से, एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल, कि वो पॉइंट सब कहाँ पे होंगे, उससे आइडिया लग जाएगा आपको, राइट। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। सर्कल में आपको ये भी मालूम है कि सेंटर से कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये रेडियस होंगे, राइट। तो ये भी आपको मालूम है। टेंजेंट जब भी हम ड्रॉ करेंगे और नॉर्मल उसी पॉइंट पे, तो वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के, राइट, 90 डिग्री पे होंगे, तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होगा, राइट। ये सब हम इजीली लगा सकते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे यूज करूँगा मैं। सिमिलरली नॉर्मल ऑलवेज, कोई भी नॉर्मल अगर सर्कल पे ड्रॉ करोगे तो वो ऑलवेज सेंटर से पास होगा, तो सेंटर उसको सेटिस्फाई करेगा, ये कंसेप्ट हम लगा सकते हैं। किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उस पॉइंट को लाइन में पुट कर देते हैं, सपोज करो, तो लाइन को आपको किस फॉर्म में लिखना है ये ध्यान रहे, स्ट्रेट लाइन होंगी, ऑलवेज वही अगेन इस टाइप के फॉर्म में रखना है, इक्वल के इस साइड जीरो, बाकी सारा टर्म उधर, तो जो भी पॉइंट होंगे उसको इसमें पुट कर दो। तो जैसे यहाँ पे पुट कर दिया और उसका मॉड ले लेते हैं, नीचे में एक्स और वाई के कोफिशियंट का स्क्वायर रूट अंडर, तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ये निकालने का तरीका। तो ये सारे चीज़ मैं यूज करूँगा, आप ध्यान से इसको समझ लो। क्वेश्चन नंबर वन, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दो सर्कल के बीच में कितने होंगे। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके लिए रफ़ी सर का ये ट्रिक आप ध्यान में रखना, ये 15 अप्रैल शिफ्ट वन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो, दो सर्कल के बीच कॉमन टेंजेंट, तो अगर मैं मानता हूँ कि दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, तो टच कर रहे होंगे तो क्या कंडीशन होगी, ध्यान से देखो, अगर एक सर्कल का सेंटर C1 है दूसरे का C2 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस R1 हो जाएगा या R2, तो C1 C2 का जो डिस्टेंस होगा दो पॉइंट का वो R1 प्लस R2 होगा, राइट। तो ऐसे केस में किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कॉमन टेंजेंट कितना हो सकता है, तीन ही हो सकते हैं, राइट, ये तीनों। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ, पहले सर्कल C1 के लिए अगर सेंटर निकाल लूँ तो x के कोफिशियंट का हाफ, y के कोफिशियंट का हाफ, राइट, और रेडियस R1 निकालूँ तो रूट अंडर ऑफ 9 का स्क्वायर प्लस 15 बाई 2 का स्क्वायर माइनस ये कोफिशियंट कांस्टेंट वाला, राइट, तो 131 हो गया।
आप ध्यान से देखो, इसमें सॉल्व करने में ज़्यादा देर नहीं लगाना है। 81 प्लस 225 बाई 4 माइनस में 131, तो ध्यान से देखो तो ये 81 है, 131 है, माइनस बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 50 प्लस 225 बाई 4, आपको ऑप्शन ऐसे ही रहेंगे राइट। तो ये माइनस 200, 225, तो ये 25 बाई 4 रूट अंडर में, तो ये कितना हो गया 5 बाई 2, डैट इज 2.5 राइट। दूसरा जो सर्कल है ध्यान से देखो C2, तो वो उसका निकालूँ तो कितना हो जाएगा, सेंटर 3.3, रेडियस अगर निकालूँ तो 3 का स्क्वायर 9, और ध्यान दें ये माइनस है वो माइनस, प्लस हो जाएंगे तो 7, तो ये कितना हो गया 25, तो ये कितना हो गया 5। तो दोनों का जो रेडियस का सम हो जाएगा R1 प्लस R2 वो कितना हो गया 7.5। क्या C1 C2 का डिस्टेंस होगा, तो करके आप देख लो, 9 माइनस 3 राइट। C1 C2 अगर मैं निकालूं तो 9 माइनस 3 तो मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 15 बाई 2 माइनस 3, 15 बाई 2 माइनस 3, तो ये 2 3 6 राइट, तो कितना हो जाएगा 9 बाई 2, तो ध्यान से देखो तो ये 36 प्लस 81 बाई 4 रूट अंडर रहेंगे राइट। तो ये 4 6 20 4, 4 3 12 और 2 4 प्लस 81 बाई 4, तो ये ध्यान से देखो तो ये कितना आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ 225 बाई 4, डैट इज 15 बाई 2, डैट इज 7.5, तो एग्जैक्टली आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें आंसर कितना आ जाएगा 3। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे तो 3 कॉमन टेंजेंट होंगे, जब टच ही नहीं करेंगे तो 4 कॉमन टेंजेंट होगी राइट। इस टाइप से आप देख सकते हो 4 कॉमन टेंजेंट हो जाएंगी। अगर इन साइड से अगर कर रहा हो सिर्फ एक पॉइंट पे तो एक ही कॉमन टेंजेंट होगी, अगर कर ही नहीं रहा हो अंदर में है तो 0 कॉमन टेंजेंट होंगे राइट। तो इस टाइप से आपको आइडिया होना चाहिए। तो जस्ट आप क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे और सेंटर के बीच का डिस्टेंस, और उसके बाद देखेंगे कि वो क्या हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दो सर्कल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेडियाई R1 R2 है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है और इस लाइन से 2 यूनिट का इंटरसेप्ट बना रहा है, तो इसकी वैल्यू बताना है राइट। अगेन ये 12 अप्रैल को सेक्शन में 2023 में पूछे गए। तो देखो कैसे करेंगे, सिंपल एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करो और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो एक सर्कल बनाओ जो दोनों को टच कर रहा हो, सिंपल। तो यहाँ पे कोई सेंटर हो जाएगा सर्कल का, तो ध्यान से देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, रेडियस, और ये भी क्या हो जाएंगे, रेडियस। तो इसका मतलब जो रेडियस आर आर है तो इसका जो सेंटर होगा वो आर कॉमा आर मैं ले सकता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये एक्स डिस्टेंस, ये वाई डिस्टेंस। तो ऑलवेज जब कोई सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेगा तो उसका जो सेंटर होगा वो आर आर हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है कि एक लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, जो इंटरसेप्ट कितने यूनिट का बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 यूनिट का राइट। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, परपेंडिकुलर, और तो ये ध्यान से देखो ये भी रेडियस होगा, ये ध्यान से देखो ये भी रेडियस होंगे, बस ड्रॉ कर करके मैं कर रहा हूँ राइट। तो ये 1 यूनिट हो जाएगा, ये भी 1 यूनिट हो जाएंगे, और ये लाइन आपको मालूम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, या x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। तो इस पॉइंट से जो r कॉमा आर था ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं लाइन का, अभी बताया था क्या करना है, पॉइंट को पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा r प्लस आर माइनस 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 राइट। और इसका मॉड ले लो, दिस शुड बी इक्वल टू, ये लेंथ मैं निकाल सकता हूँ कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये रेडियस आर है, ये वन है, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो रेडियस आर का स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर उसका रूट अंडर में लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो तो वही आ जाएगा राइट। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझे, तो ये क्या हो जाएगा, 2r माइनस 2 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 1 और इसका रूट। तो दोनों साइड में स्क्वायर ले सकता हूँ, 2 कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, तो 4r माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस 1। तो अब यहाँ पे सॉल्व कर लें इसको, तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 टू द 4, तो ध्यान से देखो 2 times a - b² a² - 2ab + b² = r² - 1। तो यहाँ से ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, 2r² इधर आएगा तो
आर स्क्वायर, ये माइनस फोर आर और ये प्लस टू इधर आएगा तो एक और, तो थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देख सकते हो आर की वैल्यू वन और थ्री दोनों सेटिस्फाई करेंगे। वन पुट करो तो वन और थ्री फोर, माइनस फोर जीरो जाएंगे, थ्री पुट करो तो नाइन, थ्री ट्वेल्व, तो ये रेडियस आर वन आर टू तो वही आ चुका हमारा। तो ये वैल्यू पूछा है तो कितना हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन, थ्री का स्क्वायर नाइन, माइनस थ्री इंटू वन, तो कितना गया ये आंसर, सेवन। तो ध्यान से देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस एक फिगर ड्रॉ कर करके कंडीशन लगा दिया और आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर थ्री में एक पॉइंट ए है और दूसरा जो पॉइंट बी है वो इस कर्व पे है, तो सेंटर ऑफ लोकस ऑफ एनी पॉइंट पी विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी, ए बी का जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो अल्फा कमा बीटा है, तो लाइन सेगमेंट ए सी का क्या डिस्टेंस होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को अगेन सिंपल पहले एक रफ आपको डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। ये ध्यान से देखो तो ये क्या, एक सर्कल है हैविंग सेंटर एट 0.0, रेडियस 4, तो एक आप ड्रॉ कर लें इस टाइप से, राइट। तो सर्कल का सेंटर 0.0, रेडियस 4 है। अब क्या कर रहा है, एक पॉइंट है ए 1.2, तो वो दिख गया 1.2, मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 और इधर 2, ये यहाँ पे पॉइंट है आपका ए 1.2, इनसाइड में होगा वो पॉइंट। और जो बी है वो एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व है, तो जब एनी पॉइंट है इस कर्व पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो मैं इसी के पैरेलल वाला ले लूँगा ताकि ईजी हो जाएगा। तो ये अगर 1.2 है तो ये लाइन 2 चल रही है, तो यहाँ पे एक पॉइंट तो मुझे मिल चुका है 2, वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट निकालना तो कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16 है, एक्स स्क्वायर नहीं मालूम, वाई वो पॉइंट मालूम है, तो 4 इज इक्वल टू 16, तो एक्स स्क्वायर 12, तो एक्स कितना आ गया 2√3, तो इसका हमें आ चुका है कोऑर्डिनेट। अब ध्यान से समझो क्या कह रहा है, कि जो लाइन सेगमेंट ए और बी, ये पॉइंट बी हो गया, ये लाइन सेगमेंट ए बी, तो जैसे ये लाइन सेगमेंट ए और बी है उसको जो डिवाइड करा हुआ 3:2 रेशियो, तो जब भी इस टाइप का दे, 3:2 का क्या मतलब हो गया, टोटल 5 पार्ट, 3+2 5 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो 5 पार्ट में करना है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये कहने का मतलब है। तो पॉइंट कहाँ पे होगा, ये पॉइंट ये है यहाँ पे पॉइंट सी, राइट, जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है, तभी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 और यहाँ से यहाँ तक का 2, तो ये चीज़ समझ के रखना। तो डैट मीन्स क्या हो गया, कि अगर मुझे टोटल डिस्टेंस ए बी मिल जाए तो ए बी डिस्टेंस का 3/5 टाइम्स होगा वो, ये डिस्टेंस, राइट, जो पूछा आपसे। तो इसलिए अगर आप ध्यान से देखो तो सब में इतना चीज़ कॉमन है, राइट, सब में ये कॉमन है। और ये क्यों कॉमन है, क्योंकि ये √5 वो डिस्टेंस होगा जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, और 3/5 तो आना ही था, राइट, क्योंकि √5 देखो ध्यान से सब में कॉमन है। 3/5 क्यों आया, क्योंकि मुझे ए से सी का बताना है ये डिस्टेंस, तो ए से सी वाला पार्ट ज़्यादा है और कितना है वो 3 टाइम्स होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन तो मुझे आ चुका है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, समझे इस बात को। और सॉल्व भी करना तो वेरी सिंपल है, कैसे, आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो वो आप सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा आपका √5, तो टोटल डिस्टेंस √5 है, हमें यहाँ से यहाँ तक का चाहिए डिस्टेंस, तो ये कितना पार्ट है, 3 पार्ट और ये 2 पार्ट था, तो इसलिए 3/5, सिंपल ऐसे करना है जब भी रेशियो वाले प्रॉब्लम आए तो। क्वेश्चन नंबर 4, इस टाइप के कंसेप्ट 2 बार पूछे गए हैं, तो इसलिए अच्छे समझना। एक सर्कल है C1, राइट, इसका मिरर इमेज इस लाइन में अनदर सर्कल बनेगा, राइट, ऑब्वियस बात है C2, तो C2 का रेडियस अगर R है तो आपको ये अल्फा अननोन है और इस सर्कल का रेडियस R, तो अल्फा प्लस R की वैल्यू बताना था इस टाइप के क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो मैं एक रफ डायग्राम बनाया हूँ, पहले अगर सर्कल C1 की बात करूँ तो x के कोफिशेंट का हाफ और y के कोफिशेंट का हाफ, तो सेंटर मिल जाएगा मुझे 2.1, तो मैंने 2.1 एक अंदाजे से ड्रॉ कर करके एक सर्कल बना दिया, राइट। और रही बात इस सर्कल का रेडियस निकालना, तो सिंपल है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, राइट, ये इस साइड जाएंगे और माइनस ऑलरेडी पहले लगा हुआ है, तो अल्फा माइनस 5 आ जाएगा, राइट, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो रेडियस √अल्फा हो जाएगा। जो लाइन है y इक्वल टू 2x+1, तो ये स्लोप पॉजिटिव है, इसको ड्रॉ कर दिया एग्जैक्ट, राइट, इस सर्कल का मिरर इमेज है ये, तो इसका सेंटर
आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना, जो सर्कल C2 है उसका कोफिशेंट 5 क्या है, तो जिसको मुझे क्या करना पड़ेगा 5 से पहले डिवाइड, क्योंकि एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का कोफिशेंट 1 रखना है, तो मैंने डिवाइड कर दिया 5 से। तो अब ध्यान से देखो, तो ये 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस में 2fx, तो इसलिए सेंटर क्या हो जाएगा f, और माइनस में 2gy तो सेंटर हो जाएगा g। यहाँ पे ये पॉइंट एक ध्यान रखना था, सेंटर आ चुका। रेडियस क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर जे स्क्वायर माइनस में 36 और 5 से डिवाइड किया हुआ है, तो ये तो सिर्फ fg मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो मैं क्या कंसेप्ट लगा रहा हूँ, ये सर्कल है, ये लाइन है, इसका मिरर इमेज, तो सर्कल के सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या जो मिरर इमेज वाला सर्कल है उसके सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे, राइट। तो डिस्टेंस को इक्वल कर दिया, तो पॉइंट को मैंने पुट कर दिया, तो एक तरफ ये आया एक तरफ ये आ गया, राइट। तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 बचा। इधर मैं सर प्लस साइन के साथ ले या माइनस, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो ध्यान से देखो आप कि आपका जो वाई कोऑर्डिनेट है मिरर इमेज वाले सर्कल का, वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो जी पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे जी में नेगेटिव है, तो माइनस साइन के साथ मुझे खोलना पड़ेगा, तो इसलिए ये आ जाएगा। तो एक इक्वेशन बन गया जी माइनस 2f इक्वल टू 5, देखो विदाउट सॉल्विंग चल रहे, राइट। नाउ द पॉइंट इज कि एक बात और क्लियर है कि दोनों सर्कल का रेडियस तो इक्वल होगा, ये एक कॉमन थिंग है जो बच्चे भूल जाते हैं, सोच ही नहीं पाते हैं। भाई मिरर इमेज है ना, तो इस सर्कल का जो रेडियस होगा डेट इज आर, जो रूट अल्फा है, तो इस सर्कल का भी रेडियस रूट अल्फा ही होगा, राइट, क्योंकि मिरर इमेज है, तो इस बात का ध्यान रखना। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब मैं एक और क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखो कि ये सेंटर और ये सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन में का स्लोप निकाल सकता हूँ, और ये लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, राइट। तो दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस वन। तो एक इक्वेशन मुझे यहाँ से बन जाएगा, क्योंकि जी एफ दो अननोन थे, दो इक्वेशन चाहिए, तो वही क्या मैंने, ध्यान से देखो, वन माइनस जी वाई टू माइनस वाई वन, टू माइनस एफ एक्स टू माइनस एस वन, तो ये स्लोप और इसका स्लोप आपको दिख ही रहा है टू, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन, तो यहाँ से एफ प्लस टू जी फोर हो जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो जी और एफ आ जाएंगे, तो ये जी एंड एफ यहाँ पुट कर दोगे तो ये आपको आ जाएगा वन। तो रेडियस अगर वन आ गया है मिरर इमेज वाले का, तो डेफिनेटली जो ये सर्कल है इसका भी रेडियस वन ही होगा, क्यों, क्योंकि मिरर इमेज ये सेमी सर्कल है, राइट। तो इसका वन है, तो r की वैल्यू यहाँ पे वन करना पड़ेगा, तो अल्फ़ा भी यहाँ पे क्या हो जाएगा वन और r भी वन, तो अल्फ़ा प्लस r पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा टू। तो ध्यान से समझो मैं कैसे कंसेप्ट को यूज कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज की इस वीडियो लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल से आने वाली प्रॉब्लम को कैसे एग्जाम में थिंक करना है, कैसे इसके प्रॉब्लम को विदाउट यूजिंग फार्मूला करना है, वो मैं सोचना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप सर्कल के किसी प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, सबसे पहले उसका एक नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, राइट। तो सर्कल की इक्वेशन है कि नहीं ये इजीली पता लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशेंट पॉजिटिव होना चाहिए और दोनों कोफिशेंट इक्वल होना चाहिए। आपसे गलती ना हो तो उसके कोफिशेंट को 1-1 बना लेना, अगर 1-1 में है तो ठीक, नहीं तो डिवाइड कर करके 1-1 बना लेना है। तो अगर सर्कल की इक्वेशन आपको दे दी गई है तो उसका सेंटर बहुत ईजी निकालना, क्या करना है, एक्स के आगे जो भी बचा है, एक्स के आगे ध्यान दे विथ साइन ले लेना, एक्स के आगे जो भी बचा है उसका हाफ कर देना, मतलब 2 से डिवाइड कर देना है, और उसके बाद माइनस साइन लगाना है। तो इसलिए अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट, और अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस आता। वैसे ही वाई के कोफिशेंट जो भी होंगे विद साइन ले लेना, उसका हाफ कर देना, और अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस आएगा कोऑर्डिनेट, और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस, वेरी सिंपल। तो सर्कल का सेंटर आपको मिल गया। रेडियस निकालने में इन दोनों का स्क्वायर करना है, इसलिए माइनस हो प्लस हो फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर कर रहे हैं। माइनस सी जो कांस्टेंट टर्म होगा, तो अगेन यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ माइनस रखना है, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस रखना है, जैसे बता रहा हूँ बेटा वैसे करना है। तो सर्कल का इक्वेशन दे दिया, तो सेंटर और रेडियस आपको मिल गया, तो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे उसको अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे, अभी मैं बताऊँगा भी कैसे करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन है, डायमीटर जो सर्कल के सेंटर से पास आउट होता है, अगर एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो ऐसे सर्कल के क्वेश्चन डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या करना है, x में से x1 को घटाना, फिर x में से x2 को, दोनों x कोऑर्डिनेट को x से घटाना इनटू मल्टीप्लिकेशन में प्लस साइन फिर बीच में, वैसे ही y में से दोनों कोऑर्डिनेट को घटाना इज इक्वल टू जीरो, ये सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा, राइट।
तीसरा पॉइंट जो बेसिक है, आप डायग्राम से समझ सकते हो कि अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच करेंगे तो रेडियस का जो सम होगा वो उनके सेंटर के डिस्टेंस के बराबर होगा। तो सेंटर का डिस्टेंस डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं, रेडियस अभी आपको बता दिया, सेंटर कैसे निकालेंगे बता दिया। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो एक्सटर्नली टच करेंगे। ऐसे कंडीशन में तीन कॉमन टेंजेंट हो सकती है, राइट। टेंजेंट होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे, तीन कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं। इस टाइप के कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली दोनों के जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा दोनों के रेडियस के सम से, और ऐसे केस में टोटल चार कॉमन टेंजेंट हो सकती हैं, राइट। टोटल चार कॉमन टेंजेंट हो सकती है। अगर सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो क्या होगा, तो आप देख सकते हो जो दोनों के रेडियस का सम होगा वो ज़्यादा होगा उन दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस से, निकाल सकते हो। और ऐसे केस में कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, दो होंगे। अगर सर्कल इंटरनली टच कर रहा है तो दोनों के रेडियस का डिफरेंस दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस के बराबर होगा और कॉमन टेंजेंट सिर्फ एक हो सकता है, राइट। तो दीज आर द बेसिक पॉइंट जो आप डायग्राम से एकदम अच्छे से समझ सकते हैं, राइट। क्योंकि सेंटर निकालना, रेडियस निकालना बता दिया, डिस्टेंस फार्मूला सबको मालूम रहता है, बेसिक फार्मूला लगाना है, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं लगाना है, राइट। और एक लास्ट पॉइंट कि अगर किसी सर्कल का सेंटर और रेडियस मालूम है तो इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट अगर आपको एज्यूम करना हो तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस को बोलते हैं, तो वो वेरी सिंपल है। जो सर्कल का एक्स कोऑर्डिनेट होगा प्लस रेडियस का कॉस थीटा लेना है, और वाई वाले में वही कोऑर्डिनेट वाई वाला और रेडियस का साइन थीटा लेना है, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। तो आप क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे थिंक करना है, उसका कंप्लीट आइडिया देता हूँ मैं वाया एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर वन में एक सर्कल का सेंटर बताना है जिसका रेडियस 3 है और इस सर्कल को वो इस पॉइंट पे इंटरनली टच कर रहा है। तो ध्यान से देखो विदाउट यूजिंग फार्मूला कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, एक नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ कर लेना, एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया। अब ध्यान से देखो ये जो सर्कल गिवेन है इसका आप सेंटर निकाल सकते हो, तो देख लो एक्स के कोफिशियंट का हाफ करेंगे तो 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो सेंटर कहाँ पे है ध्यान से देखो 2 कॉमा और ये क्या हो जाएगा 3 पे। रेडियस निकालना हो तो क्विकली इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 12 और रूट, तो राइट, तो ये आ जाएगा आपको 5। तो रेडियस आ गया 5। अब 2 कॉमा 3 कहाँ पे होगा ध्यान से देखो 1 2, ये 1 2 3, तो ये यहाँ पे होगा और रेडियस कितना है 5। तो 5 डिस्टेंस आपको जाना है, ध्यान दें 1 2 3 4 5, ऐसे कर करके चले जाना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इक्वल डिस्टेंस लेते हुए 1 2 3 4 5। तो आप इन पॉइंट को अगर मिला देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो रिक्वायर्ड सर्कल आ चुका है। ध्यान से देखो कैसे करना होता है, क्विकली ये सब चीज़ करनी है। नाउ सर्कल का आपको सेंटर आ चुका है 2 कॉमा 3, रेडियस आ चुका है 5, वो जो पॉइंट है -1, -1 वो यहाँ पे कहीं पे होगा, राइट। और इसको मिला देंगे तो ये सेंटर से पास होंगे, ये रेडियस है 5 आपका। अब ऐसे सर्कल का सेंटर बताना जिसका रेडियस 3 यूनिट है और यहाँ पे इंटरनली टच कर रहा है, तो यहाँ पे रेडियस 3 यूनिट जाना मतलब 1 2 3 यहाँ पे कहीं पे आएगा। और ये बात तो क्लियर है, ध्यान से देखो कि ये जो डिस्टेंस है, चूँकि ये -1, -1 है, तो ये डिस्टेंस यहाँ ओरिजिन से कितना होगा √2, चूँकि 3 यूनिट का लेना है तो इधर ही कहीं पे होगा, मतलब सेंटर जो होगा पक्का उस सर्कल का किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। क्या ये बात थिंक कर पाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो देखो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऐसे सोचना पड़ेगा बेटा आपको, देखो बाकी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अगर सर हमें निकालना ही है तो बताओ, निकाल के बताओ, तो फिर निकाल के भी कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, अगर उस सर्कल का सेंटर अगर यहाँ पे कहीं पे है, टोटल डिस्टेंस 5 है, ये डिस्टेंस 3 है, क्यों, क्योंकि रेडियस 3, तो ये 3:2 रेशियो हो गया। एकदम सेक्शन फार्मूला लगा दो बेटा, देखो यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसको निकालना है एच कॉमा के, ये पॉइंट आपको मालूम है 2 कॉमा 3, ये पॉइंट मालूम है -1 कॉमा 1, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 3 और ये 2 है, तो लगा दो। तो H क्या हो जाएगा, इधर वाला इसे मल्टीप्लाई होता है तो 3 to the 6, और इधर वाला इसे मल्टीप्लाई होता है, राइट, तो 2 और -1, तो -2 डिवाइडेड बाई m+n, तो 3 + 2 कितना 5, तो देखो कितना आ गया ये 4/5। वैसे ही y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं,
तो समझो मैं आपको सोचने का तरीका बताना चाह रहा हूँ बेटा कि एग्ज़ाम में कैसे प्रॉब्लम को करना होता है। देखो बस एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, पॉइंट्स आपको लोकेट किया और मैं आंसर तक पहुँच गया हूँ, क्योंकि मेरे को क्लियर है कि चूंकि वो सर्कल आपको बताना जिसका रेडियस 3 है और इसी पॉइंट से इंटरनली टच करना चाहिए, तो आप ऐसा एक ड्रॉ करोगे तो ध्यान से देखो कि उस सर्कल का सेंटर पक्का कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि इतना डिस्टेंस तो रूट 2 ही है जबकि 3 यूनिट का बोला है, और दोनों जब भी सर्कल इंटरनली अगर टच कर रहे हैं तो आप ही सोचो एक ही पॉइंट पे, तो दोनों के जो सेंटर होंगे और वो पॉइंट वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, उसी से हमने थिंक किया। ऐसा एक ही ऑप्शन था फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, क्योंकि ये माइनस है, इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, ऐसे करना होता है। और फिर अगर स्टिल दो ऑप्शन होते तो सर क्या करते, तो फिर कैसे सोचते ये? तो देखो मैंने कुछ भी फार्मूला यूज किया नहीं, बेसिक बेसिक जो ड्रॉ करना है वो बेसिक यूज किया, सेक्शनल फार्मूला जो बेसिक जानते हो वो यूज करना बेटा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में एक लाइन है 2x - y = m और वेयर m बिलोंग्स टू z, कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर हो सकता है, इंटरसेक्ट कर रहा है इस सर्कल को दो डिस्टिंक पॉइंट पे, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ m क्या होगा? तो देखो कैसे सोचना है। सबसे पहले ये लाइन को ऑब्जर्व करो, 2x - y = m, तो यहाँ पे सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म वेरी कर रहा है, तो स्लोप तो फिक्स हो गया राइट, जितना भी m की वैल्यू कुछ भी आएगा तो स्लोप तो सारी लाइन का वही रहेगा राइट। डैट मीन्स ये सब की सब क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। क्यों? क्योंकि सब का स्लोप इक्वल है राइट, एक पॉइंट ये थिंक करना। दूसरा सर्कल आपको गिवन है तो उसको लिख लो x²y² - 2x - 4y = 0, सेंटर आपको आ चुका है राइट 1, 2। कैसे? एक्स के कोफिशेंट का आधा, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस क्या राइट, और रेडियस भी आ चुका कैसे, √1² 1, 2² 4, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है तो 0 राइट, तो √5 आ चुका है। तो आप क्या करेंगे, क्विकली आपको बता रखा हूँ, नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ कर देना है। 1, 2, तो ये 1 है, इधर ये 2 है, यहाँ पे होगा √5 मतलब 2 से कुछ ज़्यादा तो राइट, तो ये 1, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा इधर, ये 1, 2 थोड़ा सा ज़्यादा राइट, ये 1, 2 थोड़ा सा ज़्यादा, ये 1, 2 और थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये सारे पॉइंट को मिला कर करके आप एक सर्कल ड्रॉ कर दें। यहाँ पे ये सेंटर हो गया 1, 2। अब क्या कह रहा है कि अब इस लाइन का स्लोप देखो ध्यान से, तो स्लोप क्या हो जाएगा, इसको लिख लो उस फॉर्म में, उधर वाई ले जाओ तो y = क्या हो जाएगा, 2x - m राइट। तो ये स्लोप जो है वो पॉजिटिव में 2 है, मतलब इस टाइप की लाइन है राइट, तब इस टाइप की बहुत सारी लाइन होंगी। अब यहाँ पे सोचना बेटा ध्यान से देखो कैसे रफी सर सोच रहे हैं, एक वो लाइन जो इसके सेंटर से पास हो रही होगी, ऐसी एक ही लाइन होगी राइट जो सेंटर से पास हो रही होंगी राइट, उसके बाद अगर इस डिस्टेंस पर अगर एक लाइन मिल रहा है तो इस डिस्टेंस पर भी आपको एक लाइन मिलेगा, फिर अगर इस डिस्टेंस पर एक लाइन मिल रहा है तो सेम उसी डिस्टेंस पर भी आपको एक लाइन मिलेंगे ऊपर नीचे राइट। तो एक बात तो क्लियर है कि हमारा जो वैल्यू जाने वाला है वो ऑड नंबर में, कैसे, क्योंकि एक ही लाइन ऐसी होगी जो सेंटर से पास करेगी, बाकी दोनों तरफ सेम डिस्टेंस पे दो दो लाइन मिलेंगी राइट। तो जैसे अगर यही 3 पॉसिबल होता तो 3 होगा, या फिर ये होंगे तो 5 होंगे या 7 होंगे, ऑड नंबर में आंसर आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपका गया, अब ये दोनों में से कोई होगा, अब वो कैसे थिंक करेंगे, तो वेरी सिंपल राइट। समझो कि अगर वो लाइन इस पे टेंजेंट हो जाती तो यहाँ इस पॉइंट से इस लाइन इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेडियस के बराबर, तो उससे कम होना चाहिए राइट। तो सेंटर का जो डिस्टेंस है लाइन से हम लिख सकते हैं कैसे, इस लाइन की इक्वेशन क्या है ध्यान से देखो, 2x - y = m है राइट। तो इस लाइन से इस पॉइंट का सेंटर का डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ, तो कैसे, इस पॉइंट को इस लाइन में पुट कर देना होता है, पुट कर दो तो आप कितना होगा बताओ, 2 × 1 तो 2 हो जाएंगे, और y में -2 होगा राइट, इधर आएगा तो वो -m, इसका मॉड √√5 हो जाएंगे, इसके कोफिशियंट का स्क्वायर इसके कोफिशियंट का, और दिस शुड बी स्मॉलर देन √5। क्यों? क्योंकि √5 से कम होगा तभी वो लाइन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेंगे, अदरवाइज ये नहीं होगा। ये समझाने में इतना टाइम लग रहा है बेटा, बस कैसे करें क्विकली, तो ये √5 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे राइट, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि m की वैल्यू जो है वो ये √5 हो जाएंगे, तो -5 से 5 के बीच में होना चाहिए राइट। और -5 से 5 के बीच में कितनी वैल्यू आएंगी, 9। कैसे, -4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4, टोटल 9 वैल्यू जाएंगी। तो ऐसे आपको थिंक करना पड़ेगा बेटा, ध्यान से देखो कैसे मैंने सोचने का तरीका बताया। क्वेश्चन नंबर 3 में ए और बी दो पॉइंट है राइट, तो ए और बी दो पॉइंट है,
इन दोनों का एब्सिसा बोले तो एक्स कोऑर्डिनेट इस क्वाड्रेटिक का रूट है, और ऑर्डिनेट बोले तो वाई कोऑर्डिनेट इस क्वाड्रेटिक का रूट है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ए बी को डायमीटर मानते हुए, तो अभी आपको कंसेप्ट बताया था, इसका अगर एक्स वन वाई वन है और इसका अगर एक्स टू वाई टू है, राइट, वेयर एक्स वन एक्स टू इसके रूट होंगे, वाई वन वाई टू इसके रूट होंगे, और इसको डायमीटर मानते हुए एक सर्कल का इक्वेशन बताना है। तो सर्कल का इक्वेशन अभी बताया था, एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखो कैसे थिंक करना है, अगर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स एक्स वन माइनस में एक्स एक्स टू आएगा, राइट। तो माइनस एक्स अगर कॉमन लूँ तो एक्स वन प्लस एक्स टू आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स वन एक्स टू। तो यहाँ से ध्यान से देखो ये क्या हो गया, ये सम ऑफ रूट हो गया। सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो यहाँ से सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए कितना हो जाएगा, माइनस में टू बाई, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन है तो वन, तो यहाँ पे माइनस आएगा, राइट, और खुद माइनस है तो एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स होगा। यहाँ तक समझे बात, तो प्लस होगा अगर टू एक्स, तो ये दो ऑप्शन तो आपके गए क्योंकि माइनस है, इन दोनों में से होगा, राइट। अब सिर्फ यहाँ प्लस माइनस होगा तो एक्स वन एक्स टू प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाई ए, तो क्या है वो, माइनस में बी स्क्वायर बाई वन, राइट, माइनस है और उसका भी माइनस ही आएगा, राइट। तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस माना चाहिए, ऑप्शन क्या होगा, डी। देखो पूरा सॉल्व नहीं करना है, ऐसे आपको ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा, कौन ऑप्शन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है, कैसे एलिमिनेट करना है। तो बेटा हर प्रॉब्लम में मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, एग्जाम में प्रॉब्लम को कैसे सोचना है वो बताना चाह रहा हूँ, और ये सारे प्रॉब्लम पी वाई क्यू है, किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में दो सर्कल अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ध्यान से देखो अगेन कैसे करना है, सबसे पहले आप एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लें, पहले सर्कल को ध्यान से देखो, सिर्फ एक्स का कोफिशेंट उसका हाफ और प्लस है तो माइनस ए कॉमा जीरो पे इसका ये है, राइट, तो माइनस ए कॉमा जीरो है और रेडियस क्या हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर, प्लस है तो माइनस सी, राइट। दूसरा सर्कल का ध्यान से देखो तो जीरो कॉमा माइनस भी होगा और रेडियस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी, तो जीरो कॉमा माइनस भी इधर कहीं पे होगा, राइट, और रेडियस बी स्क्वायर माइनस सी। ये दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो एक्सटर्नली टच करता हुआ बना दिया, ये ध्यान से देख बना दिया, तो आपको कंडीशन पता लग गई, ये सी वन से सी टू का जो डिस्टेंस होगा ध्यान से देखो वो रेडियस के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे आर वन आर टू मिल चुका है, तो वी कैन से ए स्क्वायर माइनस सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी शुड बी इक्वल टू, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो सॉल्व करेंगे तो एक बात तो क्लियर है कि सी उधर जाएगा और सी का पावर कितना, वन है, रूट सब कैंसिल हो जाएंगे, तो वी कैन से कि वन अपॉन ए स्क्वायर वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई सी होगा। ध्यान से समझो ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि सब में वन अपॉन ए स्क्वायर सब कुछ सेम है, राइट, पूरा सॉल्व करके आपको नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, तो क्लियर है। और सी उधर जाएगा इक्वल साइन के तो प्लस में आएगा और सी पे पावर एक होना चाहिए, तो सी स्क्वायर वाले तो पहले आप कैंसिल कर दो, राइट, और ये दोनों प्लस में होंगे, इधर ये जाएगा तो ये प्लस में होगा, तो ऑप्शन क्या रहेगा, बी, क्योंकि यहाँ पे क्या माइनस, आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। तो ऐसे आपको एग्जाम में थिंक करना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर फाइव में लेमडा इज परपेंटिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी ऑन द सर्कल, सर्कल का क्वेश्चन गिवन है, फ्रॉम द दिस लाइन, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ लेमडा का बताना है। तो अगेन सेम देखो रफ़ी सर कैसे सोचते हैं, वैसे आपको भी सोचना पड़ेगा बेटा, वेरी सिंपल। सबसे पहले इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे आ गया बता दो मेरे को, माइनस वन कॉमा माइनस वन, रेडियस क्विकली वन वन प्लस थ्री डेट इज रूट फाइव, तो माइनस वन इधर कहीं पे होगा और रूट फाइव का रेडियस का एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। ये लाइन ड्रॉ कर लो बेटा, एक्स को जीरो करोगे तो वाई माइनस थर्टीन इधर कहीं पे होगा बहुत दूर, राइट, और एक्स को जीरो किया तो वाई माइनस थर्टीन, वाई को जीरो किया तो एक्स माइनस थर्टीन बाई टू इधर कहीं पे होगा, तो ये लाइन है। अब इस सर्कल पे एक ऐसा पॉइंट लेना है जो इसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, तो डेफिनेटली आपको पता लग गया ड्रॉ करके कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर से जाने वाला होगा और अपोजिट में होगा, राइट। तो क्या मैं सेंटर से इसका डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। वैसे बाय द वे ये रेडियस कितना है, यू नो रूट फाइव है, राइट, ये डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ, सेंटर का कोऑर्डिनेट माइनस वन कॉमा माइनस वन है, तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस टू माइनस वन प्लस थर्टीन का मॉड डिवाइडेड बाय रूट फाइव, तो कितना हो जाएगा, टेन बाय रूट फाइव डेट इज
टू रूट फाइव। तो आपको पता लग गया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, बोलो बेटा टू रूट फाइव। ये कितना है रूट फाइव, तो ये कितना डिस्टेंस हो गया अगर यहाँ से यहाँ तक का बोलूँ तो रूट फाइव। मैक्सिमम डिस्टेंस बोलो, आप खुद ही सोचो मैक्सिमम में क्या हो जाएगा, ये भी रेडियस है रूट फाइव, तो रूट फाइव रूट फाइव रूट फाइव कितना हो गया थ्री रूट फाइव। तो मैक्सिमम बोला था तो थ्री रूट फाइव, मिनिमम बोलता तो रूट फाइव। देखो मैंने बस डायग्राम ड्रॉ किया वहाँ तक पहुँच गया, क्योंकि मैक्सिमम बोलेगा तो वो सेंटर से पास आउट होना चाहिए, तो ये वाला पॉइंट होगा जो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा इस लाइन से, क्योंकि इधर कोई पॉइंट लोगे तो कम डिस्टेंस हो जाएगा, राइट। आप देख सकते हो, तो ये रेडियस, ये भी रेडियस और एक्स्ट्रा ये, तो मैंने यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल ही लिया था टू रूट फाइव प्लस ये रेडियस एक और, तो थ्री रूट फाइव। आंसर इज बी, ऐसे सोचना। क्वेश्चन नंबर सिक्स में सर्कल पासेस थ्रू 4.0 एंड 0.2, और अगर इसका सेंटर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो रेडियस ऑफ सर्कल अगर आर है तो इसकी वैल्यू बताना है। तो अगेन ध्यान से देखो, ऐसे पढ़ के कुछ भी समझ नहीं आएगा। सबसे पहले बेटा अगेन देखो, सारे क्वेश्चन में मैंने वाई किया है, ये ड्रॉ करते ही आधा प्रॉब्लम सॉल्व। कहाँ कहाँ है 4.0 लोकेट कर दो, 4.0। दूसरा कहाँ है 0.2, यहाँ पे होगा 0.2। ये दो पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है और सर्कल का जो सेंटर है वो कहीं वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो राइट इनसे पास होने वाला आप एक सर्कल बना दे। यहाँ से देखो एक रफ डायग्राम एक ड्रॉ कर दिया, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे 0.y ले लेता हूँ मैं, राइट, क्योंकि वाई एक्सिस पे, तो यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है, राइट। कोई भी अगर ड्रॉ करूँ तो सर्कमफ्रेंस पे सब रेडियस ही होगा, राइट। तो ये रेडियस है, इक्वल कर सकते हैं दोनों डिस्टेंस को। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये तो x 0 है, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 का स्क्वायर और उसका रूट ओवर, दिस शुड बी इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक देखो तो 0 माइनस 4, तो ये 4 का स्क्वायर, राइट, और यहाँ पे 0 माइनस वाई तो प्लस वाई का स्क्वायर और उसका रूट ओवर होगा, राइट। तो अब यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखो, बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर गेट कैंसिल, राइट। तो ये 16 में से 4 गया तो 12, तो यहाँ से y कितना गया माइनस 3, तो ये आते ही 0.-3, रेडियस देखो यहाँ से यहाँ तक माइनस 3 होगा और प्लस ये 2, तो टोटल रेडियस कितना हो गया ध्यान से देखो 5। कुछ नहीं करना बेटा, देखो डायग्राम ड्रॉ करते ही सब, रेडियस 5 हो गया, तो r अगर 5 है तो पुट करो, तो 25-5+1 तो कितना हो जाएगा 20+1 21, तो आंसर 21। देखो कितना शॉर्ट में मैंने निपटाया, क्विकली ड्रॉ करो आंसर पाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बताना है दो सर्कल क्वेश्चन, तो ध्यान से देखो इस सर्कल का सेंटर क्विकली बताओ क्या हो जाएगा 3.7, रेडियस बता दो क्विकली कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 और ये माइनस में 48 हो जाएगा, राइट, प्लस है तो माइनस, और ये तो ये कितना हो जाएगा ध्यान से देखो आपका √10। दूसरा सर्कल यहाँ है, सेंटर क्विकली बता दो कितना हो जाएगा, सिर्फ 3.0, राइट, ये माइनस है तो प्लस और वाई तो है नहीं, रेडियस बता दो, तो √√3 का स्क्वायर 9, वाई है नहीं, कॉन्स्टेंट है नहीं, तो राइट, तो 3 हो जाएगा। आप क्विकली क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो कितना हो जाएगा, देखो 3-3 0, 7-0 का स्क्वायर तो 7 हो जाएगा, तो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस है 7। R1+R2 कर लो, R1+R2 कितना हो जाएगा ध्यान से देखो 3+√3 कितना होगा 3.something, तो डैट इज 6.something, जो कि क्या हो रहा है इससे छोटा हो रहा है, तो डैट मीन्स ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच नहीं करोगे तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये C1 ये C2, तो C1 C2 यहाँ पे जो है ध्यान से देखो वो ग्रेटर है R1+R2 से, राइट। तो इस पे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना हो जाएगा आप ही बता दो, क्विकली बता रखा हूँ कितना हो जाएगा आंसर इसका 4, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट हो जाएंगे 4। तो इस तरीके से आपको सोचना है क्विकली। क्वेश्चन नंबर 8 में इस सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन बताना है, तो अगेन ध्यान से देखो क्विकली कैसे करेंगे, पहले सेंटर निकालो कितना हो जाएगा -1.2, राइट, बस इतना। रेडियस क्यों नहीं निकाला, क्योंकि देखो समय बेटा 3-3 है, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब आपको मालूम है कि ये -1 होना चाहिए, -1 वाला यहाँ है और यहाँ है, तो ये दोनों ऑप्शन होंगे, और वो प्लस होना चाहिए, तो ये माइनस है यही प्लस है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। आपको कुछ नहीं सोचना, और एक्स वाले में कॉस थीटा लगता है, वाई वाले में साइन थीटा, देखो क्विकली ऐसे आपको एग्जाम में थिंक करना पड़ेगा, सॉल्व नहीं करना बेटा, सॉल्व करके नोबेल प्राइज़ तो मिलेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर ये सर्कल
इंटरनली टच कर रहे हैं तो आपको अल्फ़ा क्यू की वैल्यू बताना। तो वेरी सिंपल है, अगेन आप क्या करेंगे, एक ड्रॉ कर देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो इस सर्कल का सेंटर 0.0 और रेडियस हो जाएगा 3, राइट। तो ये एक सर्कल हो जाएंगे। दूसरा जो सर्कल है उसका आप देख सकते हो क्या आ जाएगा, -a, -1, और रेडियस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, a² + 1, वहाँ -1 है, तो ये a के बराबर हो जाएगा, राइट। और इंटरनली टच करना चाहिए, तो ऐसा कुछ होगा आपका इंटरनली टच करने में। तो अभी बताया था आपको कि दोनों के जो सेंटर का डिफरेंस होगा वो, तो वी कैन से कि C1 C2 शुड बी इक्वल टू R1 - R2, राइट। C1 C2 हम क्विकली निकाल सकते हैं, दोनों के सेंटर के बीच का डिफरेंस। तो अब यहाँ से देख लो, तो क्या आ जाएगा बताओ, a² और ये +1 और उसका रूट हो जाएगा, दिस शुड बी इक्वल टू दोनों के रेडियस का डिफरेंस। तो रेडियस का डिफरेंस यहाँ से देखो तो कितना आना चाहिए, 3 - a, राइट। अब ये कितना हो जाएगा, a² + 1 इज इक्वल टू 3 - a² अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, a² + 1 इज इक्वल टू a - b² a² + b² - 2ab, राइट। तो ये a² गेट कैंसल, तो इधर ले आओ तो 6a इज इक्वल टू, राइट, ये कितना हो जाएगा 9, और में से एक गया तो 8, तो ये हो जाएगा 8/6 मतलब 4/3। तो इसका क्यूब करना है तो कितना हो जाएगा, 64/27, सो ऑप्शन विल बी डी। देखो एकदम बेसिक लगाया और आंसर तक पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 10 में साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर गिवन, ओके। तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल बताना है जिसका सेंटर जो होगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल होगा, और सर्कल जो है वो रेक्टेंगल के दो अपोजिट एंड को ही टच कर सकते हैं। तो अगेन ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है, फिर से वही सेम, अपने पास एक ही हथियार है बेटा, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करके पॉइंट को लोकेट करो। एक x = -2, ये लाइन हो जाएगी, राइट। एक x = 4, ये लाइन हो जाएगा। y = -2, ये लाइन हो जाएंगी, और y = 5, ये वाला हो जाएगा। तो ये आपका, आपको आ चुका है कौन बोलो, ये रेक्टेंगल। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये y = 5 था और x = -2, तो ये -2, 5 हो जाएंगे। ये वाला कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये वाला कितना था y 5 और x कितना था 4, तो ये कितना हो जाएगा 4, 5, ये 4, -2 हो जाएंगे y का, और ये वाला आपका x - 2 था और y जो है वो भी -2 है। आपको सेंटर कहाँ पे बोला है, किसी भी डायगोनल पे कैसे भी ले लो, राइट, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपको बोला है। तो ध्यान से देखो, ये तो ये मिड पॉइंट होंगे, मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल सकते हैं किसी से भी। तो क्या हो जाएगा, 4 और +(-2) तो 2/2, तो 1 हो जाएगा, राइट, ये वाले कोऑर्डिनेट, एंड 5 - 2 तो 3/2, तो 1, 3/2 सेंटर होना चाहिए। ऑप्शन चेक करो बेटा, तो ध्यान रहे कि दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए, दोनों निगेटिव, राइट। और ऐसा एक ही ऑप्शन है, देखो ±, -+, ++ तो क्या होगा ऑप्शन डी। देखो कुछ नहीं करना है, ऐसे आपको सोचना पड़ेगा बेटा, अगर ऐसा आप सोचते हो तभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इजीली बनेंगे और 30 सेकंड के अंतर में बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दो टेंजेंस टू द सर्कल एट द पॉइंट ए एंड बी मीट्स -4, 0, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको बताना है, वो इज ऑरिजिन। ऐसे क्वेश्चन अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते बेटा, देखो कुछ भी मैं नहीं सोच रहा हूँ, बस कैसे आपको करना है। सबसे पहले अगेन एक ही अपने पास हथियार है बेटा, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लो, सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो, राइट, जिसका सेंटर 0, 0 पे, रेडियस 2 है, राइट, 0, 0 एंड रेडियस इज 2, ये आपको मालूम है बस। उसके बाद क्या कह रहा है, -4, 0 लोकेट करो बेटा, यहाँ पे होगा। इससे क्या किया, दो टेंजेंट ड्रॉ किया, देखो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट उसने बोला ए है, ये पॉइंट बी है, ये ओरिजिन है, तो ये यहाँ से यहाँ अगर मैं मिलाऊँ तो क्या ये टेंजेंट और ये जो है ये परपेंडिकुलर होगा 90, ये वैल्यू 2 है, राइट। यहाँ से यहाँ तक का देख लो आप, तो आपको पता ही है कितना है, 4 है डिस्टेंस, तो क्या ये मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, राइट, पाइथागोरस थ्योरम से, तो कितना हो जाएगा, √16 - 4 का रूट, राइट, ये डिस्टेंस अगर x मानूँ तो x कितना आ गया, 2√3, राइट, 12 हो गया, तो 2√3, देखो ध्यान से देखते रहो कैसे कर रहा हूँ मैं। हमसे क्या पूछा है, एरिया किसका, ये
वाले का, देखो यहाँ ये 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 और ये वाले का, तो सबसे पहले क्या ये ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो बेसिक 9th-10th में जानते बेटा वही लगा रहा हूँ, राइट। तो हाफ बेस बोलो बेटा तो दो, हाइट बोल दो, तो ध्यान से देखो हाइट क्या होगा, ये 90 डिग्री है, गलती मत करना, तो ये बेस ये हाइट ये वाला, ये 4 मत पकड़ लेना, जो निकाला अभी 2√3, 2 गया तो 2√3, तो ये कौन सा एरिया आया, ये हाफ एरिया, क्या ये दोनों एरिया सेम होंगे, हमें टोटल निकालना है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा बोल दो, 2 × 2√3, आंसर इज 4√3। देख लो कहाँ पे मैंने क्या लगाया, डायग्राम ड्रॉ किया बेटा, सब कुछ आपको क्विकली पता लगते जाएगा, सिंपल 9th-10th का बेसिक इक्वेशन यूज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में एक सर्कल का इक्वेशन बताना है जो पास थ्रू द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल के सेंटर से पास होता है, और कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक का मतलब क्या हो गया कि उसका सेंटर भी वही है जो इस सर्कल का है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा गलती मत करना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2:2 है, जबकि आपको क्या बोला है 1:1 बनाना है, तो पहले 2 से डिवाइड करके इसको लिख दो, तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों का कोएफिशिएंट पहले बेटा 1 बनाना, ये ध्यान रहे, तो ये कितना हो जाएगा -4x माइनस में 6y माइनस में 9/2 = 0, इसका सेंटर बता दो क्विकली, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो 2 हो जाएगा राइट, और यहाँ पे 3 बता रखा हूँ, नेगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव, और हाफ कर देना है 2,3, सर्कल का सेंटर कहाँ पे 2,3 पे, कंसेंट्रिक बोल दिया, तो पहले तो देखो कि 2,3 इसमें किस सर्कल का सेंटर है, तो ध्यान से देखो सिर्फ इसका है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है नेगेटिव आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तो ओनली एक ही ऑप्शन है डी, देखो कुछ नहीं करना बेटा, क्योंकि आपको ऐसा नहीं, आपके माइंड में क्या बैठा हुआ है, सॉल्व करके फिर देखना है कि कौन सा आंसर होगा, नहीं बेटा उल्टा थिंक करना, रफ़ी सर की तरह थिंक करना है, तब जाकर के आपका क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द सर्कल दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस इज, और ये गिवन है, तो अगेन फिर से बेटा देखो मैंने सारे क्वेश्चन जितने भी सॉल्व किए आपके सामने, राइट, पहले ये ड्रॉ करो, ये सर्कल आपको मालूम है कहाँ पे सेंटर हो गया 0,0, और रेडियस कितना हो गया इसका 5, अब पॉइंट 1,7 आपका कहाँ पे होगा 1,7 यहाँ पे, इस पॉइंट से आपको क्या करना है टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ कर दिया मैंने बेटा, राइट। अब आपको इनके बीच का एंगल बताना है, ध्यान से देखो कैसे कर रहा हूँ, एकदम सिंपल, क्या मुझे सेंटर मालूम है, तो ये और ये देखो ये 90 डिग्री होगा क्या, क्योंकि टेंजेंट है राइट, ड्रॉ कर दिया, तो ध्यान से देखो ये रेडियस है तो 5 होगा, क्या मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, क्योंकि 1,7 और 0,0 अपने आप बेटा सिंपल डिस्टेंस फार्मूला, तो लगा दो, तो कितना हो जाएगा 49+1 डैट इज √50 डैट इज 5√2, तो ये डिस्टेंस आ गया 5√2, तो ये कितना हो जाएगा 5, पाइथागोरस थ्योरम से, आप ध्यान से देखो, तो मैं निकाल सकता हूँ tan θ, ये वाला tan θ क्या होता है P/B, तो ध्यान से देखो P/B तो 1 हो गया, तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया π/4, हमें टोटल एंगल निकालना है, तो ये भी π/4 होगा राइट, तो टोटल एंगल कितना हो गया बता दो मेरे को π/2, ऑप्शन इज डी। देखो कुछ किया मैंने, ज्योमेट्री ड्रॉ किया, सिंपल 9th-10th का पाइथागोरस थ्योरम, डिस्टेंस फार्मूला, यही सब यूज किया, 9th-10th ही है बेटा जेई, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, सोचने का तरीका चेंज करो, क्वेश्चन ईजी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में इक्वेशन ऑफ सर्कल बताना आपको जो ये दो पॉइंट से पास हो रहा है 1,-2 4,-3 एंड हुज सेंटर लाई ऑन द लाइन, ध्यान से देखो ये लाइन पे लाई करना चाहिए उसका सेंटर 3x + 2y = 7 पे, तो देखो बेटा कैसे सोचना है, सॉल्व नहीं करना है, आपके माइंड में ऑलवेज जो है वो ट्रेडिशनल मेथड कन्वेंशनल मेथड बैठा हुआ है, देखो रफ़ी सर कैसे थिंक करते हैं, अगर उसका सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ये लाइन की वैल्यू 7 होना चाहिए, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ सम में 3:2 आएगा राइट, प्लस आएगा माइनस आएगा बाद में, सम में 3:2 आएगा सेंटर राइट, क्यों, क्योंकि x का कोएफिशिएंट का हाफ करना है y के कोएफिशिएंट का, 7 कब आएगा जब x 3 हो और y कितना हो -1, तभी 9-2 7 होगा, तो 3,-1 होना चाहिए, 3,-1 किसका सेंटर है ये वाला, ऐसा एक ही ऑप्शन है, तो क्या हो गया डी, तो ऐसे आपको थिंक करना पड़ेगा बेटा, ऐसा नहीं कि ये पॉइंट से पास कर रहा है तो वो इक्वेशन बनाए फिर ये सेटिस्फाई कर रहा है, आपको ऑलवेज उल्टे तरीके से सोचना पड़ेगा, अल्टरनेट अप्रोच लगाना पड़ेगा, तब जा करके आपसे क्वेश्चन ईजिली एग्जाम में सॉल्व होंगे, इसलिए ऐसे टीचर से पढ़ना पड़ेगा जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हो, क्लियर किया हो, उनके पढ़ाने का तरीका इस तरीके से हो, तो
तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, तभी जा कर के आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अगेन जाते जाते एक ही पॉइंट बोलूँगा बेटा कि ये 14 क्वेश्चन मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको 14 क्वेश्चन बताना है। आपके सोच को बदलने के लिए मैंने वीडियो लेक्चर बनाया है, आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। जिस दिन आपने ऐसा सोचा आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा वो पैराबोला से रिलेटेड होगा। अगेन इस वीडियो लेक्चर का मेन एम जो है वो यही है कि मैं आपके सोचने का तरीका को चेंज कर सकूं, आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, कैसे अल्टरनेट वे में सॉल्व करना है वो तरीका बता सकूं। तो इसलिए बेटा ये वीडियो लेक्चर को ऐसा मत मानना कि मैं आपको कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, आपको ऐसा मान के चलना है कि सर सोचने का तरीका बता रहे हैं, और इस सोचने के तरीके को अगर आप अडॉप्ट करोगे, अगर आप ऐसे थिंक करोगे तो डेफिनेटली आपसे प्रॉब्लम बहुत ईजिली बनेगा और आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी आएगा। तो सबसे पहले हम पैराबोला में सम ऑफ द बेसिक पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखो यू नो कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला का, डेट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, राइट? तो अब देखो y की वैल्यू आप प्लस रखो या माइनस, इधर तो पॉजिटिव रहेगा तो इसलिए इधर x को पॉजिटिव रखना पड़ेगा तभी ये डिफाइन हो पाएगा, राइट? तो इसलिए ये जो पैराबोला होगा वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। बात समझ में आ गए? वैसे ही एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो यहाँ पे समझो x प्लस रखूँ या माइनस, प्लस ही होगा, तो इसलिए y को क्या होना पड़ेगा? प्लस। y प्लस कब होता है? x एक्सिस के ऊपर, राइट? तो इसलिए ये किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा? y एक्सिस के अबाउट, जैसा इधर है वैसा इधर, एग्जैक्टली मिरर इमेज यू कैन से। वैसे ही y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax में क्या हो गया? y प्लस रखो या माइनस, पॉजिटिव ही रहेगा, राइट? तो इसलिए x को निगेटिव होना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव है, तो x को निगेटिव होना पड़ेगा, तो ये यू नो कि इधर x निगेटिव होता है इसलिए ये माइनस x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, एंड सो ऑन। आई होप ये समझ सकते हो। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें पॉइंट्स अब क्या है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में जो ये वाला पॉइंट होता है a, 0, इसको बोलते हैं फोकस, राइट? ये फोकस होता है पैराबोला का। पैराबोला यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट जहाँ पे 0, 0 है उसको वर्टेक्स बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये वर्टेक्स है, राइट? तो पैराबोला को डिफाइन कैसे करते हैं? तो एक्चुअली फोकस से पैराबोला पे कोई भी पॉइंट लो, फोकस से पैराबोला पे जो भी पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस और उस पॉइंट का इस लाइन से, एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस अगर इक्वल होता है तो फिर हम बोलेंगे कि वो पैराबोला का लोकस है। समझ के बाद? इसीलिए पैराबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी होती है? 1 होती है। तो इस पॉइंट को क्लियरली समझना कि फोकस से पैराबोला पे कोई भी पॉइंट ले लो, ये पूरे जो कर्व दिखा है इस पे कोई पॉइंट, ये डिस्टेंस किस डिस्टेंस के बराबर होगा? इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस अगर इक्वल हो जाता है तो वो पैराबोला का लोकस होगा। समझ के बाद? नाउ ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। सर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन हो तो आप बना सकते हो, राइट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसको इस फॉर्म में आप लेके आ सकते हो, y माइनस वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस x1, इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो और फिर इसके रिजल्ट को इसी से कंपेयर कर लेना आप स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो आपको मिल जाएगा। ओनली थिंग इज कि क्या हो जाएगा, वर्टेक्स शिफ्ट हो जाएंगे, राइट? तो बस ये पॉइंट ध्यान में रखना है और ये बिल्कुल ईजिली बनाना है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, राइट? क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में ओपन हो जाएंगे, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो पॉइंट है डेट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो दिख रहा है कि यहाँ तक, यहाँ तक 2a है, यहाँ भी 2a, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 times of a, राइट? वेयर a इज व्हाट? फोकस ऑफ द पैराबोला। तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम पूछा तो 4a होगा। पैराबोला पे कोई भी पॉइंट अगर लेना हो, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो at स्क्वायर का मान 280 ले सकते हैं, राइट? इस पॉइंट को पुट करके देख सकते हैं, सेटिस्फाई करना चाहिए, दैट्स वेरी इजी। तो ये पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 3 डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस कंसेप्ट को मैं कई बार यूज भी करूँगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अगर कोई लाइन कॉमन टेंजेंट है सर्कल को भी और पैराबोला को भी, अगर एक लाइन टेंजेंट है सर्कल एंड पैराबोला को, तो डेफिनेटली अगर मैं सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो तो क्या होगा? रेडियस। तो वही पॉइंट को लिखा है कि इफ़ लाइन इज कॉमन टेंजेंट टू सर्कल एंड पैराबोला देन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम सेंटर ऑन द लाइन विल बी इक्वल टू रेडियस। डैट मीन्स अगर ये ग्राफ से समझे तो डेफिनेटली सर्कल के सेंटर से इस लाइन पे अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा? रेडियस के बराबर। क्यों? क्योंकि ये लाइन टेंजेंट है। तो ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है।
पॉइंट नंबर फोर भी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं पर अगर ऐसा हो रहा है कि कोई लाइन जो है वो पैराबोला को एक ही पॉइंट पर टच कर रही है, डेट मीन्स टेंजेंट है। इफ़ लाइन टचेज पैराबोला, सिर्फ टच कर रही है, डेट मीन्स टेंजेंट है, तो क्या हो जाएगा, उस लाइन को अगर उस पैराबोला के इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, चूँकि उसका रूट दोनों इक्वल होना चाहिए क्योंकि एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, तो इक्वल रूट के लिए हम क्या लगा देंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, ये पॉइंट मैं यूज करूँगा। ये सब बेटा कंसेप्ट है जो ध्यान में रखना है। पांचवा पॉइंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको पैराबोला पे कोई टेंजेंट की इक्वेशन लेनी अगर हो पैरामेट्रिक फॉर्म में या एक्स वन वाई वन पॉइंट के फॉर्म में, तो डेट्स वेरी इजी, वाई इंटू वाई वन, तो वाई तो आपका वेरिएबल होगा वाई वन जिस पॉइंट पर आप ले रहे हो, राइट, इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस एक्स वन, अगेन एक्स वन वाई वन पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स वाले पे, राइट। वैसे ही अगर पैरामीटर फॉर्म में लें तो टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, पैरामेट्रिक फॉर्म में ये टेंजेंट की इक्वेशन है, और अगर ये लाइन का स्लोप अगर मान लेता हूँ मैं एम है, यहाँ देख सकते हो ये पॉइंट एक्स वन वाई वन, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर ए टी स्क्वायर का मान टू ए टी लोगे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर इस लाइन का स्लोप एम है तो इस फॉर्म में ले सकते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ये सब इक्वेशन कहाँ से आया, तो वेरी सिंपल, यू नो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स है, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो टू वाई वाई डैश मतलब डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू फोर ए हो गया, तो यहाँ से वाई डैश क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो टू से टू कैंसिल हो जाएंगे तो टू ए अपॉन वाई, तो यू नो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप टू ए वाई वाई एक्स माइनस एक्स वन, राइट। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये वाला आ जाएगा, फिर ये पॉइंट के अकॉर्डिंग पुट कर दोगे तो ये वाला आ जाएंगे, स्लोप एम मानोगे तो ये वाला आ जाएगा, तो इट्स वेरी इजी। तो ये पांच पॉइंट आपको बेटा अच्छे से ध्यान में रखना है, इसका मैं मैक्सिमम यूज करूँगा और आपको अभी बताऊँगा भी कि कैसे मैं सारे प्रॉब्लम को ऐसे थिंक कर रहा हूँ। और एक वो पॉइंट तो रहेगा कि नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करना है और वहाँ से आइडिया लेना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो चलिए अब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। तो ध्यान से देखो यहाँ पे जो पैराबोला है उसमें y का पावर यहाँ पे 1 है, जिसका भी पावर 1 होगा उस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, जैसे यहाँ पे y की पावर 1, अगर x की पावर 1 होता तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता, और यू नो कि ये x प्लस रखो या माइनस पॉजिटिव होगा तो y को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो डैट मीन्स ये पॉजिटिव y एक्सिस के अबाउट ये पैराबोला सिमेट्रिक होगा, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स ऑब्वियस बात है इधर कहीं पाएगा, राइट। अभी बताया था कि फोकस से इस पैराबोला पे कोई भी पॉइंट लो, ये डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी को बोलते हैं पैराबोला का लोकस। तो डैट मीन्स आप देखो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, मुझे समझ में आ गया कि मेरा जो भी डायरेक्ट्रिक्स होगा वो y इज इक्वल टू सम माइनस में कॉन्स्टेंट होना चाहिए, राइट। तो ऐसा ध्यान से देखो तो एक ही ऑप्शन है, डैट इज ऑप्शन ए, क्योंकि x एक्सिस के बाद सिमेट्रिक ही नहीं होगा, तो ये तो गया था, और यहाँ पे y पॉजिटिव आएगा जबकि हमारा जो डायरेक्ट्रिक्स है वो निगेटिव y डायरेक्शन में, राइट। बाय द वे सॉल्व करना तो वेरी इजी, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना हो तो x स्क्वायर इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 बाई 3y, तो यही हो गया, ध्यान से देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वेयर a इज व्हाट 4 बाई 3, तो फोकस हो गया a इज इक्वल टू 4 बाई 3, जो डायरेक्टिफिकेशन होगी वो y इज इक्वल टू माइनस है, डैट इज y इज इक्वल टू माइनस में 4 बाई 3, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, डेट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर टू में लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम बताना ऑफ द पैराबोला, ये तो ध्यान से देखो ये पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आप x को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ तो माइनस टू वाई माइनस 7, अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाओ तो कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखो x माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो इससे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 16 आएगा, तो उसको हटाना है हमें तो माइनस 16 करना पड़ेगा राइट, और माइनस में 2 ए भी, तो ध्यान से देखो तो ये जो है ये इसी के इक्वल है अगर आप इसको ओपन करोगे तो ऐसे आपको थिंक कर लेना इज इक्वल टू माइनस 2 वाई माइनस 7, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर माइनस 2 वाई प्लस 9, इसमें भी आप क्या कर सकते हो माइनस 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा वाई माइनस 9 बाई 2 राइट, और ये एक्स माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको कंपेयर करो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे ये 4a और ये कैपिटल y, तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो शिफ्ट हो जाएगा, तो ध्यान से देखो 4a की वैल्यू किसके बराबर है यहाँ पे, चूंकि लेंथ है तो ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, तो ये तो माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है राइट,
तो 4a की वैल्यू 2 और यू नो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4 ही होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 2। वेरी सिंपल। तो कभी अगर पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में ना गिवन हो तो उसको स्क्वायर बना करके हम ला सकते हैं और फिर रिजल्ट को वहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पूछा गया इस पॉइंट का, पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पे क्या होगा अगर पैरामीटर गिवन है -4/3। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक और तरीका ये भी है कि पहले आप सोचा करो कि अगर पॉइंट पैराबोला पे है तो सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा एक ही पॉइंट है जो सेटिस्फाई करेगा, ऐसे भी थिंक कर सकते हैं। क्यों? x 4/9 तो y जो हो जाएगा वो 2/3 का स्क्वायर तो 4/9 होगा, बाकी सब केस में नहीं हो सकता, राइट। बाय द वे सॉल्व करना हो तो ये जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो तो 4a 1/4 लेना पड़ेगा इंटू एक्स, राइट। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई आपको 1/4। पैराबोला पे कोई पॉइंट लेना हो तो at² 2at होगा, राइट। वेयर t की वैल्यू उसने दे दी आपको, पैरामीटर की वैल्यू -4/3 है। तो y कोऑर्डिनेट अगर निकालना होगा तो 2 और a की वैल्यू 1/4 और t जो है वो -4/3। तो ध्यान से देखो तो ये 4 से 4 कैंसिल तो कितना हो गया -2/3। तो ऐसा आपका एक ही ऑप्शन था, y कोऑर्डिनेट निकाल चुके हैं। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में फोकल डिस्टेंस आपको बताना है ऑफ द पॉइंट 4,4 ऑन द पैराबोला पे विथ वर्टेक्स 0,0 एंड सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो पहले ध्यान से देखो जो बोला है वो आप ड्रॉ कर दो कि वर्टेक्स जो है वो 0,0 पे है और सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, तो इस टाइप का कोई पैराबोला होगा, राइट। इस पैराबोला पे एक पॉइंट है डेट इज 4,4 ऑन द पैराबोला। तो फोकल डिस्टेंस, तो यू नो इसका जो फोकस होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना, ये ध्यान रहे। बहुत सारे बच्चे को क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आता करना क्या है, तो ये डिस्टेंस आपको बताना है। तो यू नो ये जो पैराबोला हो जाएगा वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a1 x। यही क्यों लिया सर आपने? क्यों? क्योंकि 4,4 सेटिस्फाई करना चाहिए, एक्स की जगह 4 पुट करोगे तो 16 और 4 का स्क्वायर 16, तो यही होगा। डैट मीन्स यहाँ पे a कितना आ गया आपका 1। तो यू नो की जो फोकस होता है वो 0,a होगा, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है तो ए की वैल्यू 1, तो ये जो पॉइंट है वो क्या है 0,1। बस ये पॉइंट समझना था। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फार्मूला लगा दो तो 4-0 तो 4 का स्क्वायर और 4-1 तो 3 का स्क्वायर, डैट इज 16+9 कितना हो गया, ये आंसर विल बी 5 डिस्टेंस फार्मूला से, सो ऑप्शन बी। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम बताना आपको पैराबोला का, जिसका फोकस गिवन था और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। तो अच्छे अच्छे बच्चों को ये समझ में नहीं आता, पहले जो बेसिक है आपको बताया था, बेसिक क्या था बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो ये था, अगर ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो इसका फोकस था a,0 पे और डायरेक्ट्रिक्स जो थी वो x इज इक्वल टू -a थी। तो कहने का मतलब है कि लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम LR वो कितना था 4a, तो वो कैसे हुआ था ध्यान से देखो, इस फोकस से यहाँ से यहाँ तक वर्टेक्स तक डिस्टेंस a था और यहाँ से यहाँ तक भी a, तो मतलब फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 2a है। तो इसी कंसेप्ट को लगा दो, चूंकि मुझे फोकस गिवन है और लाइन की इक्वेशन गिवन है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ, तो वो जो भी डिस्टेंस होगा उसका ध्यान से देखो तो वो ये क्या है 2 times of 2a, राइट। तो 2 times करना है तो पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा 1-2+3 डिवाइडेड बाय √ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। तो ये ध्यान से देखो तो आप कितना आ जाएगा 2/√2, डैट इज √2। तो ये जो आया वो 2a की वैल्यू आई, हमें कितना चाहिए 4a, डैट मीन्स 2 times of 2a, डैट मीन्स 2 times of और 2a की वैल्यू √2, तो आंसर क्या होगा b। बिल्कुल बेसिक जो है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर कर देना ऐसे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर ये लाइन नॉर्मल है टू द पैराबोला ये, तो लैम्डा की वैल्यू बताना। तो देखो कैसे थिंक करना बेटा, जब आपको लाइन की इक्वेशन दे दी और एक्स वाई का कोफिशियंट अगर आपको मिल गया है तो डैट मीन्स इस लाइन का स्लोप मिल चुका, ऐसे थिंक करना पड़ेगा। नाउ ये पैराबोला राइट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो क्या मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लूँ, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इस कर्व पे जो भी टेंजेंट होंगी उसका स्लोप मिल जाएगा, राइट। तो 2y dy/dx इज इक्वल टू कितना हो गया 8, तो यहाँ से y डैश डेट इज dy/dx कितना आ गया, ध्यान से देखो कितना आ जाएगा ये 4/y। तो नॉर्मल का क्या हो जाएगा, यू नो कि नॉर्मल और जो टेंजेंट होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे, तो स्लोप का प्रोडक्ट m1 m2 -1 होता है, राइट। तो इसलिए नॉर्मल का जो स्लोप हो जाएगा क्या हो जाएगा -y/4, राइट।
और दिस शुड बी इक्वल टू, ये भी नॉर्मल के क्वेश्चन है, तो यहाँ से स्लोप कितना आ रहा है माइनस टू, तो यहाँ से y कितना आ गया, ध्यान से देखो 8। ऐसे सोचना पड़ेगा बेटा, एकदम बेसिक में कोई नया फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म दिस डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। y 8 आ गया तो यहाँ पुट कर दो, तो x भी कितना आ जाएगा आपको 8। तो ये आप पॉइंट फिर इसमें पुट कर दो, क्यों, क्योंकि ये और वो दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे उसको, राइट। फिर ये पॉइंट को आप इसमें पुट कर दो, क्यों, क्योंकि ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है और यही पॉइंट इस पैराबोला पे भी है, तो पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 8 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, लेमडा कितना हो जाएगा माइनस में 24, ऑप्शन ए। तो ऐसे थिंक करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, लाइन की इक्वेशन अगर दे दे, नॉर्मल टू द पैराबोला पूछा है तो डिफ्रेंशिएट करके टेंजेंट का निकाल लो स्लोप और उसका माइनस वन बाई कर दोगे तो नॉर्मल का आ जाएगा, कंपेयर कर लो तो वहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर दो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, चूंकि ये पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, पुट कर दो आपका अननोन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टचिंग द सर्कल एंड द पैराबोला क्या होगा, ये ऑप्शन गिवन है। तो ध्यान से देखो विदाउट कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले आप एक्सिस ड्रॉ कर लें, इस सर्कल का सेंटर ध्यान से देखो तो 3.0 पे है, राइट, रेडियस कितनी है 3 है, तो ये सर्कल जो होगा वो इस टाइप का कुछ होगा जो वर्टेक्स से पास होगा, एक पैराबोला वो भी आपका वर्टेक्स से ही पास हो रहा होगा, ऐसे आप ड्रॉ कर दिए, राइट। कॉमन टेंजेंट है, ध्यान से देखो कॉमन टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो इस टाइप का कुछ आएगा वो, राइट, दोनों को टच करना चाहिए। तो एक बात तो क्लियर है कि एक रफ डायग्राम एवव एक्स एक्सिस पूछा है, तो एक्स इंटरसेप्ट निगेटिव होगा, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, तो ऐसे ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आ रहे हैं जहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट निगेटिव आएगा और वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव आएगा। दूसरा ये जो पॉइंट हमने बताया कि मैं सर्कल के सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इस लाइन पे तो वो रेडियस के बराबर होना चाहिए, डैट मीन्स 3.0 से इस लाइन की डिस्टेंस रेडियस के बराबर 3 होनी चाहिए। तो ध्यान से देखो अगर मैं इस लाइन में 3.0 पुट करूँ तो मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 आएगा, कैसे, तो इसको लिख लो रूट 3y माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसमें 3.0 पुट करो तो 0 माइनस 3 माइनस 3, राइट, मॉड ले लेंगे डिवाइडेड बाय रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो यह ध्यान से देखो 6/2 ये आ रहा है 3, बाकी ऑप्शन में चेक करोगे तो नहीं होगा, ऑप्शन सी। यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो गया, y0 पुट करोगे तो ध्यान से देखो एक्स इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा माइनस में, तो वो आना भी चाहिए था, और अगर x0 पुट करेंगे तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव आना चाहिए, वो आना भी चाहिए था क्योंकि एवव एक्स एक्सिस बोला था, तो ऐसा बहुत कम ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, डेट इज सी। तो इस तरीके से आपको थिंक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा गया है एट द एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम पे बताना है, पैराबोला आपको गिवन था, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस टाइप का बनेगा, राइट, यू नो इसका फोकस हो गया 1.0 और ये हो गया लेटस रेक्टम जो फोकस से पास हो रहा, तो ये पॉइंट हो गया आपका 1.2, ये पॉइंट 1.-2, तो इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ का किया गया है और इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया, तो इस लाइन की इक्वेशन आपको बताना है। यहाँ पे जो भी गिवन है वो कंबाइंड फॉर्म में, दैट मीन्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में गिवन है, तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे। क्या इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूँ, बिल्कुल, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो 2y वाई डैश इज इक्वल टू 4a, तो वाई डैश कितना आ गया ध्यान से देखो 2a/y, तो ये तो टेंजेंट का स्लोप हुआ, मुझे किसका स्लोप चाहिए नॉर्मल का, तो ये 90 डिग्री पे होंगे, राइट, तो दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन, तो इसलिए अगर मैं y डबल डैश नॉर्मल का स्लोप लिखूँ तो क्या हो जाएगा माइनस y/2a, और y का कोऑर्डिनेट कितना है 2a, तो वो पुट कर दोगे तो -2a/2a कितना हो जाएगा माइनस वन, तो इसका जो स्लोप हो गया वो माइनस वन, और एक का स्लोप क्या हो जाएगा प्लस वन, राइट, ये दोनों लाइन होगी ये वाली और ये वाली। अब इक्वेशन हम लिख सकते हैं, अगर स्लोप मालूम है पॉइंट मालूम है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से, तो y माइनस वाई वन तो 2a इज इक्वल टू स्लोप, तो ध्यान से देखें इसका जो स्लोप बनेगा वो आपका माइनस का बनेगा और इस वाले का स्लोप प्लस का, तो माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, डैट इज ये, तो इसको सॉल्व कर लो तो y माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस है, तो इधर ले आओ तो y प्लस एक्स और इधर ले आओगे तो माइनस 3a इज इक्वल टू 0, एक ये हो जाएंगे, और एक और अगर मुझे लिखना हो इस पॉइंट पे तो y माइनस वाई वन
इज इक्वल टू स्लोप किसका पॉजिटिव रहेगा 1 और x माइनस एक्स वन तो ये रहेगा। तो ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस थ्री ए इज इक्वल टू जीरो। अब ये दो लाइन आपको मिल चुकी है, आप चूंकि पेयर ऑफ स्ट्रेन के फॉर्म में तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो राइट। तो y प्लस एक्स माइनस थ्री ए इंटू वाई माइनस एक्स प्लस थ्री ए इज इक्वल टू जीरो राइट। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो ये y y से मल्टीप्लाई होगा राइट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो y स्क्वायर यहाँ से ये माइनस में एक्स वाई हो जाएगा राइट, ये प्लस में थ्री ए वाई हो जाएगा। वैसे ही x को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री ए एक्स हो जाएगा। वैसे इसको तो माइनस में थ्री ए वाई माइनस माइनस प्लस थ्री ए एक्स और माइनस प्लस माइनस नाइन ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस थ्री ए वाई माइनस थ्री ए वाई ये सब कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर थ्री थ्री एक्स प्लस सिक्स ए एक्स माइनस नाइन ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब जो ऑप्शन गिवन है उसमें एक्स स्क्वायर में पॉजिटिव बनाया वाई स्क्वायर में तो माइनस साइन से पूरा मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स ए एक्स और प्लस में नाइन ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स ए एक्स प्लस में नाइन स्क्वायर दैट इज ऑप्शन ए। तो ऐसे करना है आपको बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में इक्वेशन ऑफ लाइन टचिंग बोथ द पैराबोला और आपको इक्वेशन गिवन है। तो ध्यान से देखो पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स ड्रॉ कर दिया राइट और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थर्टी टू वाई ड्रॉ कर दिया। चूंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स है तो एक्स एक्सिस के बाद सिमेट्रिक होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस थर्टी टू वाई है तो वाई एक्सिस के बाद सिमेट्रिक होगा। ड्रॉ करने के बाद एक रफ मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो यहाँ से यह समझ में आ रहा है कि इस लाइन का स्लोप जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट निगेटिव होना चाहिए, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव होना चाहिए। ऑप्शन चेक करो स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए तो यहाँ से स्लोप तो निगेटिव आएगा, यहाँ से निगेटिव आएगा तो ये दो ऑप्शन नहीं हुआ, इनसे पॉजिटिव आ जाएंगे, इनसे पॉजिटिव आ जाएंगे राइट, स्लोप आ चुका है। नाउ एक्स इंटरसेप्ट निगेटिव होना चाहिए तो यहाँ पे वाई को जीरो पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस फोर हो रहा है और वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव होना चाहिए तो यू नो एक्स को जीरो पुट करेंगे तो पॉजिटिव हो रहा है, डैट मीन्स ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन सी नहीं हो सकता राइट। ऐसे थिंक करना पड़ेगा बेटा आपको। सर मुझे सॉल्व ही करना है तो सॉल्व करना है तो आपको बता रखा इस पैराबोला पे टेंजेंट क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू जिसका स्लोप अगर एम मानता हूँ तो एम एक्स प्लस ए, ए की वैल्यू यहाँ पे यू नो वन है राइट, तो वन बाई एम ये फॉर्म आपको बता रखा हूँ डायरेक्ट। अब अगर ये टेंजेंट इस पे भी टेंजेंट है मतलब इस कर्व को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, इस कर्व की इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में थर्टी टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थर्टी टू वाई की जगह ये पुट कर दो राइट, एम एक्स प्लस वन बाई एम। अब ये क्वाड्रेटिक बना राइट, बट वी नो कि इस क्वाड्रेटिक का रूट इक्वल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच करना चाहिए टेंजेंट है तो क्वाड्रेटिक के रूट इक्वल होने के लिए कंडीशन क्या है एक्स स्क्वायर इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा प्लस में थर्टी टू एम एक्स राइट प्लस में थर्टी टू बाई एम इज इक्वल टू जीरो। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए इक्वल रूट के लिए, डैट मीन्स बी स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए फोर ए सी के, बी स्क्वायर बोले तो इसका तो ध्यान से देखो थर्टी टू एम का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी, फोर ए की वैल्यू कितना है ध्यान से देखो तो वन और सी कितना है ध्यान से देखो तो थर्टी टू बाई एम। तो यहाँ से एक 32 से 32 कैंसिल हो जाएंगे और यू नो 48 द 32 तो यहाँ से ध्यान से देखो तो एम क्यू आ जाएगा 1 बाई एट तो m आना चाहिए हाफ, वो तो पहले क्लियर था स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए, स्लोप हाफ आना चाहिए तो वो ये है और इसको पुट कर दो यहाँ पे तो आपको ये इक्वेशन आ जाएगा। देखो बेटा ये 10 क्वेश्चन हमने बताया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ये 10 क्वेश्चन आ जाना चाहिए, मतलब इसका एम ये है कि आपको सोचने का तरीका आना चाहिए, कैसे आपको सोचना है राइट, बेसिक अप्लाई करना है, ज़्यादा आपको हार्ड एंड फास्ट रूल अप्लाई नहीं करना। जैसे इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखो अगर ये लाइन टेंजेंट है तो राइट तो ये दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट कॉमन होना चाहिए, चूंकि एक क्वाड्रेटिक बन रहा है तो जो बेसिक क्वाड्रेटिक के अगर रूट इक्वल होंगे तो बी स्क्वायर माइनस फोर सी जीरो होना चाहिए ध्यान से देखो। तो इसलिए जो बेसिक मालूम है उसको अप्लाई करते हुए नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करते हुए आप बिल्कुल आंसर तक पहुंच सकते हो। ऐसे जिस दिन सोचना शुरू कर दिए बेटा आपको मैथ्स बहुत इजी लगेगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज के इस वीडियो लेक्चर में इलिप्स से आने वाली प्रॉब्लम को कैसे थिंक करना है, उसको एक मिनट के अंदर में कैसे सॉल्व करना है,
उसके बारे में कंप्लीट आइडिया देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं इलिप्स में बात करूँ तो सम ऑफ द बेसिक टर्म जो आपको मालूम होना चाहिए या जो ट्रिक्स जो आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली बात कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इलिप्स का वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है, लेकिन मैंने इसको जानबूझकर लिखा है एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, सबको मालूम है। ये ऐसा इसलिए लिखा है कि एक्स में से जो भी माइनस करते हैं ध्यान देना वो इलिप्स का क्या हो जाता है, सेंटर हो जाता है। और ध्यान रहे एक्स और वाई के कोफिशियंट क्या होने चाहिए, वन होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट ध्यान में रखना बेटा। तो यहाँ पे इस इलिप्स का सेंटर क्या हो जाएगा, 0,0। और सेंटर किसको बोलते हैं, मेजर एक्सिस जो ये हो गए राइट, जनरली जो बिग वाले होते हैं, और माइनर एक्सिस उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही आपका सेंटर कहलाता है उस इलिप्स का राइट। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म सबको मालूम है। इसमें सम ऑफ द पॉइंट है जो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ध्यान से देखो, जो बड़ा वाला जो होता है उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं और उसका कोऑर्डिनेट 0 माइनस 0 हो जाएगा अगर ए स्क्वायर या ए ग्रेटर देन बी है तो राइट। अगर बी ग्रेटर देन ए होगा तो फिर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस हो जाएगी और माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस हो जाएगा, बस इतना चेंज होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो फोकस होता है इलिप्स का वो दो होते हैं राइट, AE,0 और एक -AE,0 स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो वैसे ही अगर मैं इस इलिप्स पे कोई भी पॉइंट पी लूँ तो ध्यान से देखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं इस इलिप्स पे कहीं पे भी कोई पॉइंट पी लूँ तो ये फोकस से इस पॉइंट की दूरी और दूसरे फोकस से इस पॉइंट की दूरी, इन दोनों का जो सम होगा डिस्टेंस का सम वो 2 times ऑफ किसके बराबर होगा, ध्यान से देखो, मेजर एक्सिस के। और इसी को क्या बोलते हैं, सेंटर से और जो भी इलिप्स पे कोई भी पॉइंट लोगे तो उनसे जो पास होने वाली लाइन है उसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड राइट। तो जो फोकल रेडियाई होगी उसका सम यू कैन से 2a के बराबर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, इस इलिप्स का सेंटर 0,0 पे यू नो राइट। एक पॉइंट और, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम किसको बोलते हैं, जो फोकस से पास हो और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ होगी ये वाली राइट, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2b² / a। ये सब डायरेक्ट है, ध्यान रखना बेटा। इसेंट्रिसिटी इलिप्स की ऑलवेज 1 से लेस होगी, ये चीज़ ध्यान रखना, ऑलवेज लेस देन 1 होगा राइट। इसलिए 1 माइनस, और मैंने ऐसे लिखा है स्मॉल इसमें से जो भी होगा उसका स्क्वायर बाय बिग का स्क्वायर, डेट मीन्स a² b² में जो भी स्मॉल होगा उसको ऊपर रखना है, जो बिग होगा उसको नीचे रखना है, तभी ये 1 से कम आएगा। इसलिए यहाँ पर हमने ऐसे दिखाया है। यहाँ पे दो फोकस के बीच का डिस्टेंस देख लो क्या हो जाएगा, 2ae राइट, और e जो है वो ऑलरेडी यू नो 1 से लेस है। जेड जेड डैश क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स किसको बोलते हैं कि इस इलिप्स पे मैं कोई पॉइंट लूँ तो इसका यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, फोकस से डिस्टेंस 1 से लेस होना चाहिए। तो यही जो लोकस होता है उसको बोलते हैं इलिप्स राइट। एनी हाउ, तो दो डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 2a / e होता है। तो ये सब आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आई होप आपको मालूम होंगे, बट इसमें जो पॉइंट था वो हमने क्लियर करने की कोशिश की है। एक और होता बेटा, एक्चुअली में अब इसी को मैंने ऐसे लिखा है, तो एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये भी एक इलिप्स है राइट। ये कैसे बना होगा, तो इस टाइप की जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो वाई स्क्वायर और ये वाई वाला टर्म लेकर के इसको बना सकते हैं a माइनस बी को होल स्क्वायर के फॉर्म में, वैसे एक्स स्क्वायर एक्स को लेकर के बना सकते हैं और जो भी कॉन्स्टेंट टर्म होगा उधर कर देंगे। तो ये आपको इसको इस तरह के फॉर्म में ले जाना है, डेट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, और वहाँ से रिजल्ट को कंपेयर करना है। तो चेंजेज क्या होगा स्टैंडर्ड से, चेंजेज कुछ भी नहीं होगा बेटा, सिर्फ सेंटर चेंज होंगे। सेंटर चेंज होगा तो मतलब इलिप्स शिफ्ट हो जाएगा राइट, बट जो सारे चीज़ें वही रहेंगी। अगर हमें पूछा जाए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो वो 2b² / a ही रहेगा। अगर हमें इसेंट्रिसिटी पूछा जाए तो 1 - b² / a² यानी स्मॉल का स्क्वायर और बिग स्क्वायर, ये चीज़ सेम रहेंगे। दोनों के डायरेक्ट्रिक्स का बीच का डिस्टेंस वो वही रहने वाला है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, पॉइंट चेंज हो जाएंगे, पॉइंट शिफ्ट हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इस इलिप्स पे कोई भी ऐसा पॉइंट एज्यूम करना है तो वेरी सिंपल, जो सेंटर होगा अल्फा, इस केस में यहाँ पे अल्फा है, इस केस में यहाँ पे 0 है राइट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर स्टैंडर्ड है तो अल्फा बीटा 0 हो जाएंगे राइट, और अगर नॉन स्टैंडर्ड है इस टाइप का है तो अल्फा प्लस a cos थीटा b sin थीटा
राइट, ये पैरामेट्रिक फॉर्म हम ले सकते हैं इलिप्स पे। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इलिप्स पे टेंजेंट की बात करें, इलिप्स पे कोई पॉइंट अगर यहाँ लिया, ये एक्स वन कॉमा वाई वन है, तो इस पे जो खींचे जाने वाले टेंजेंट है उसका इक्वेशन डायरेक्ट आप कर सकते हो, कैसे, x1 को एक मरतबा एक्स स्क्वायर की जगह पुट करना है, डैट मीन्स x x1 ये x वेरिएबल है और x1 वो पॉइंट, फिर y ये वेरिएबल y1 वो पॉइंट, अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू वन, तो x1 कमा y1 पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, राइट। वैसे ही अगर थीटा के टर्म में लिखना है तो x बाई ए कॉस थीटा प्लस y बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू वन, राइट, डैट्स वेरी इजी। अगर हमें नॉर्मल का लिखना हो तो भी वेरी इजी है, क्योंकि इस पॉइंट से पास होंगे और नॉर्मल का स्लोप यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस वन के बराबर होगा, तो वहाँ से आप लिख सकते हो। एक और तीसरा डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार यूज होगा, अगर कोई लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, ध्यान दें आपको ऑलवेज लाइन को इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, y का कोफिशियंट 1 होना चाहिए, एम एक्स और ये c, इस फॉर्म में अगर होगा तो उसका जो टेंजेंट होगा उस इलिप्स पे जो टेंजेंट होंगी वो y इज इक्वल टू एम एक्स, जहाँ m स्लोप है, प्लस माइनस लगा सकते हैं रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो c है वो डायरेक्ट इसके बराबर हो जाएगा, राइट, स्टैंडर्ड है, ध्यान रखना है, वेयर ए इज व्हाट, वही जो मेजर एक्सिस है उसका स्क्वायर वाला, एम स्लोप है और बी स्क्वायर माइनर एक्सिस वाला, तो ये इतने पॉइंट बेटा आपको ध्यान में रखना है, इस पे बेस्ड मैं सारे प्रॉब्लम आपको बताता हूँ कैसे थिंक करना है, इससे बाहर ज़्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर वन में बी इज इन पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ एलिप्स आपको गिवन है, और एस और एस डैश फोकस है, सच दैट दिस इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसेंट्रिसिटी बताना है, तो ध्यान से देखो, पहले इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लियो, राइट, ये कैसे गिवन है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको डिवाइड कर दो, तो यहाँ से ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, गिवन है ए ग्रेटर देन बी है, तो ये इलिप्स आप ड्रॉ कर लो, सबसे पहले नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करना बेटा आपको, ये ड्रॉ कर दिया, ये आपको मालूम है ए कॉमा जीरो है और यही आपका है 0, b। अब क्या करें, ध्यान से देखो, b इज इन पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस ये हो गया, तो ये इन पॉइंट मिल चुका है आपको एलिप्स दिस, s और s डैश फोकस है, तो फोकस आपको मालूम है ये ए ही होगा, ये माइनस में ए ही होंगे, राइट, सच डैट s b s डैश, राइट, तो ये जो b पॉइंट था ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जैसे ही ड्रॉ करोगे आपको समझ आएगा, ये तो इक्विलेटरल है, तो मैं ये लिख सकता हूँ 60 डिग्री, तो यू नो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो कितना है, ध्यान से देखो, b बाय दिस डिस्टेंस, राइट, तो कितना हो जाएगा ए, ध्यान से देखो tan 60 कितना हो गया, रूट थ्री इज इक्वल टू बी बाई ए, तो इसलिए b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट थ्री ए, राइट। अब इसेंट्रिसिटी निकालना है तो e क्या होता है, रूट अंडर ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह ये पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, थ्री ए स्क्वायर ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, राइट, ये कैंसिल हो गया, दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं तो ध्यान से देखो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस थ्री स्क्वायर, इधर आएगा तो फोर ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो ई स्क्वायर वन बाई फोर, तो ई कितना आ गया, हाफ, क्योंकि एसेंट्रिसिटी ऑलवेज वन से लेस होंगी, प्लस माइनस हाफ नहीं करना है, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए। तो ऐसे आपको थिंक करना है बेटा, डायग्राम ड्रॉ करना है, थोड़ा सा बेसिक लगाना है और आंसर पाना है। क्वेश्चन नंबर टू में इसेंट्रिसिटी बताना है इस एलिप्स का, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले कैसे करना आपको, वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई, इन दोनों को एक साथ लिख लेना, और उधर में ध्यान से देखो, फोर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स, इनको एक साथ लिख लेना, और ये सब आ गए प्लस में 14 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें ऑलरेडी 2 इंटू ए वाई आ चुका है, इंटू बी 3 लेना पड़ेगा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो इससे ए स्क्वायर आ गया, राइट, 2 ए बी से ही आ गया, एक्स्ट्रा क्या आ गया, 9 एक्स्ट्रा आ चुका है, तो हमें उसको माइनस कर देना, वेरी सिंपल, ऐसे लेके चलना है, यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा, राइट, तो 4 कॉमन निकाल लो आप, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, तो ये एक्स माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, राइट, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी जब करेंगे तो आ जाएगा 3x, तो एक्स्ट्रा कितना आ गया आपको, ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये 4 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रहे कि 9 बाई 4 इंटू 4, तो 9 एक्स्ट्रा बनेगा, तो हमें माइनस 9 करना पड़ेगा, राइट, प्लस में 14 इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से ध्यान से देखो, 9 9 18
उधर गया प्लस में और ये माइनस में, राइट 14, तो 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अभी आपको क्या करना है, इधर 1 लाना है तो 4 से डिवाइड कर दो, तो x माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर, 4 कैंसिल हो जाएंगे बाय 1, प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो इसमें चेंजेज क्या हो गए, सेंटर चेंज हो गया है, आपको ए बी मिल चुका है, राइट। और इसेंट्रिसिटी अभी बताया था इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का टेंशन नहीं लेना, आपको बताया था ऊपर में स्मॉल नीचे में बिग, इन दोनों में स्मॉल कौन है 1, तो 1 नीचे में बिग तो 4, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, तो ये रूट 3 बाय 2, सो योर ऑप्शन विल बी ए। ध्यान से देखो ऐसे करना बेटा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस ऑफ एलिप्स पूछा गया, तो ध्यान से देखो जो एलिप्स है 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144, इधर डिवाइड कर दो तो ये x स्क्वायर बाय 9 हो जाएगा प्लस y स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जो b है आपका, b कितना हो गया एक तरह से 4 और a हो गया 3, तो यहाँ पे b ग्रेटर देन a है, इसलिए जो अब एलिप्स बनेगा वो आपका इस टाइप से बनेगा, मेजर एक्सिस ये हो जाएंगी, फोकस आपका वाई एक्सिस पे रहेगा, राइट। तो इतना अगर सोच लिए तो ध्यान से देखो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये एक्स वाले ये ऑप्शन नहीं होंगे। दूसरा चीज़ ये कि बी की अगर मैक्सिमम वैल्यू देखो तो ये है 0.4, तो जो भी फोकस होगा वो इससे कम होगा, तो ये प्लस माइनस 7 है तो ये नहीं होगा, तो ओनली ऑप्शन इज बी, राइट। वेरी सिंपल, देखो विदाउट सॉल्विंग के बाद ऐसे आपको थिंक करना पड़ेगा बेटा एग्जाम में, ये नहीं कि पूरा सॉल्व कर रहे हैं, आपको ऑप्शन से जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इलिप्स का गिवन है और इसेंट्रिसिटी गिवन है, तो कौन सा इलिप्स होगा, तो ध्यान से देखो इसेंट्रिसिटी 4/5 है, राइट, ई जो है वो 4/5 है, यू नो, और ये क्या होता है रूट अंडर ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं स्क्वायर करूँ तो ये 16/25 आना चाहिए, ये कब आ सकता है, ध्यान से देखो क्विकली कैसे करना है, यू नो ऑलवेज ऊपर में स्मॉल होगा नीचे में बिग होंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखो अगर ये वाला मैं पुट करूँ तो 9/25 इसी में बन रहा है, बाकी किसी में नहीं बनेगा, ध्यान से देखो, तो ऑप्शन बी। तो ऐसे आपको करना बेटा, क्यों, क्योंकि पूरा सॉल्व करके आप अगर ऑप्शन पे टिक कर रहे हो तो ऐसे नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला, 1 मिनट 10 सेकेंड के अंदर में अगर करना है तो ऐसे थिंक करना पड़ेगा, इसेंट्रिसिटी 4/5 था उसका स्क्वायर करेंगे तो 16/25 चाहिए, वो कम मिल सकता है जब ये हो, ये सब पॉसिबल ही नहीं है, राइट, तो ऑप्शन एक ही था, तो ऐसे आपको थिंक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये एलिप्स गिवन है सम ऑफ फोकल रेडियाई, तो ध्यान से देखो पहले आप इसको क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, राइट, आपको ऑलवेज इस तरीके से देगा तंग करने के लिए, तो डिवाइड कर दो तो ये एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1, ये आ चुका, राइट। तो ये एलिप्स आपका मिल चुका है। सम ऑफ फोकल रेडियाई का क्या मतलब है, एक फोकस यहाँ पे होगा एक फोकस यहाँ पे, तो इस पर कोई पॉइंट होंगे, ये वाला फोकल रेडियाई कहलाता है और ये वाला, राइट, तो ये और ये, तो अभी बताया था कि ये अगर S और ये S डैश है ये P है, तो एस पी प्लस एस डैश पी 2 टाइम्स ऑफ A के बराबर होता है, तो आपको कुछ नहीं पूछा है 2 टाइम्स ऑफ, और A कौन सा होता है बड़ा वाला, तो ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, तो ये कितना है 5, तो 2 5 10, आंसर बी, एकदम क्विकली ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है टू द कर्व दिस, तो अगर ध्यान से देखो वो कर्व को लिखो आप 9x² 16y² इज इक्वल टू 144, राइट, इधर डिवाइड कर देंगे तो x² / 16 प्लस y² / 9 इज इक्वल टू 1, तो ये एक इलिप्स आ गया, राइट, इस इलिप्स को क्विकली आप ड्रॉ कर सकते हो, राइट, ध्यान से देखो, तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो गई, राइट, तो ये आपका जो पॉइंट होगा वो 4.0 होगा -4.0, और ये जो पॉइंट होगा वो 3 का स्क्वायर 9, तो ये 0.3 होगा और ये 0.-3। आपको इस पर एक टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, राइट, इस टाइप से होगी कोई भी, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो सम में एक्स प्लस वाई है, राइट, डैट मीन्स स्लोप -1 है, तो ये वाला हो सकता है। अब आप ही सोचो कि क्या हो सकता है, क्या ये 16, 15, 10 पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि ये सब तो बहुत दूर चले जाएंगे, राइट, तो ये तो टच ही नहीं कर पाएगा क्योंकि दोनों पे आप खुद ही सोच लो ये 15 वाला है या 10 वाला है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कौन सा 5 वाला, क्यों, क्योंकि 4 3 के पास में यही 5 वाले आ रहे हैं,
नाउ सर मुझे करना ही है तो, ये ऑप्शन से कैसे जाते हैं, ये होता है बेटा ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन करना ही है तो यू नो अभी बताया था वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखना है राइट, तो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू स्लोप माइनस वन हो गया एक्स प्लस सी, सी कैसे निकाल सकते हैं रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है 16, एम स्क्वायर तो माइनस वन का स्क्वायर वन करोगे तो वन प्लस बी स्क्वायर डेट इज 9, तो सी कितना आ गया रूट 25 डेट इज प्लस माइनस 5, इसलिए क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5 और वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 5 कोई भी हो सकता था, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएंगे। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, दिस इज द कन्वेंशनल मेथड, बट ऑप्शन से कैसे जाना है वो रफी सर थिंक करना बता रहे हैं, ये बात समझे कि नहीं। एक बार एक्स को जीरो करेंगे तो वाई कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 5, तो 0.5 इधर कोई पॉइंट होगा, और एक बार y को 0 करोगे तो 5.0, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये टेंजेंट हो सकता है, क्योंकि बाकी में 16 काफ़ी दूर हो जाएंगे, टच ही नहीं करेंगे, 15 बहुत दूर हो गया, 10 भी बहुत दूर हो गया, ऐसे आपको थिंक करना बेटा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 में ये लाइन टच कर रही है सिलिप्स को राइट, तो k की वैल्यू बताना है, तो सबसे पहले अभी आपको बताया कि इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है, 4x माइनस 3y प्लस k इज इक्वल टू 0, इस 3 को इधर ले जाओ तो 4x प्लस k इज इक्वल टू 3y, इसलिए y इज इक्वल टू 4/3x प्लस k बाई 3, तो ये आपका स्लोप m हो गया और ये कांस्टेंट c है। यहाँ पे अगर ये एलिप्स ध्यान से देखो तो 5x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 45, 45 से डिवाइड कर दो तो x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू 1 राइट। तो C पे क्या था, यू नो C इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है राइट, तो दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये C यहाँ पे क्या है K बाय 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, एम स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर तो 16/9 प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 5, देखो बहुत ईजी वे में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे 21 हो गया, तो यहाँ से K क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3 टाइम्स ऑफ रूट 21, सो योर ऑप्शन विल बी ए, तो ऐसे आपको थिंक करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में टेंजेंट टू द एलिप्स इज हैविंग स्लोप माइनस 3/4 एंड टचेज द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी, तो फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी, और वो जो है वो ओरिजिन है, तो ध्यान से देखो आपको लाइन मिल चुकी है राइट, वाई इज इक्वल टू एम स्लोप माइनस में 3/4x प्लस सी, यही सी निकालना है, और सी कैसे निकाल सकते हैं रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर, तो ध्यान से देखो ए स्क्वायर कितना हो गया आपका 32, एम स्क्वायर स्लोप 9/16 प्लस बी स्क्वायर डेट इज 18, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 18 प्लस 18 36, तो सी क्या आ गया प्लस माइनस 6, तो आपको लाइन का स्लोप अब मालूम ही था और सी हो गया प्लस माइनस 6 राइट। तो अब इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं क्विकली, और कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर रहा है तो एक बार एक्स को जीरो करूंगा तो देखो ध्यान से वाई कितना हो जाएगा 6, तो एक हो गया 0.6, और एक बार वाई को जीरो करो तो एक्स कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो अगर वाई को जीरो कर देंगे तो 3x/4 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो एक्स यहाँ से कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे आप 8.0, और यही वो पॉइंट है, ये ए है ये बी है ये ओ है, देखो एकदम आपको डायग्राम ड्रॉ करना उससे पता लग जाएगा इसका एरिया, तो क्या ये परपेंडिकुलर हो गया, तो हाफ इंटू बेस यहाँ से यहाँ तक और हाइट यहाँ तक, तो कितना हो गया ध्यान से देखो डैट इज 24, ऑप्शन सी। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, एरिया पूछा क्या है, कुछ नहीं बेटा आराम से करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पैरामेट्रिक पॉइंट बताना है लिस्ट पे, जिसका फोकस और इसेंट्रिसिटी गिवन है, तो सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लें राइट, और इस पॉइंट को लोकेट करें -1.0 यहाँ पे होगा और 7.0 यहाँ पे, यू नो ये फोकस है, वी नो दो फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है यहाँ पे कितना हो गया वो 7 और ये 1.8, तो वो 2ae के बराबर होता है, 8 हो गया, तो यहाँ से ध्यान से देखो 2ae गिवन आपको 1/2 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से a आ गया 8 राइट। इसका अगर मुझे सेंटर निकालना हो तो मिड पॉइंट होता राइट, तो मिड पॉइंट कितना हो जाएगा ध्यान से देखो 3.0, तो अभी आपको बताया था कि अगर मुझे x कोऑर्डिनेट लेना हो तो सेंटर 3 प्लस a दैट इज 8 cos थीटा, 3 प्लस 8 cos थीटा, ऐसा एक ही ऑप्शन है डैट इज ऑप्शन ए। और अगर y निकालना होता तो ये तो 0 हो गया, 0 प्लस
बी, तो बी निकाल सकते थे हम, राइट। तो वो आ जाता आपको 4√3 साइन थीटा। बी कैसे आ जाता, तो एसेंट्रिसिटी हाफ है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 - b² / a² से a मालूम है तो b आ जाएगा। तो वैसे निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शन तक हम पहुंच चुके हैं, तो ऐसे आपको थिंक करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में कॉमन टेंजेंट टू, ये अगर ध्यान से देखो तो एक हाइपरबोला की इक्वेशन है और ये एक सर्कल की इक्वेशन है, इस पर कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी और ऑप्शन आपको गिवन है। तो ध्यान से देखो रफ़ी सर कैसे थिंक करते हैं, ये सर्कल आपको मालूम है राइट, तो ये हो गया ये सर्कल x² + y² = 9, तो ये हो गया आपका सेंटर 0, 0, और यहाँ से ये रेडियस हो जाएंगे 3। चूँकि टेंजेंट बोल रहा है दोनों पे कॉमन है, तो मैं सर्कल पे सिर्फ मान ले रहा हूँ, कोई भी टेंजेंट होगी राइट, जैसे भी हो उससे मतलब नहीं है। मैं जो पॉइंट लगा रहा हूँ सेंटर से, ये जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चूँकि मुझे ऑप्शन गिवन है तो मैं चेक करूँगा, क्या करूँगा, 0, 0 से इस लाइन का डिस्टेंस निकालूँगा और कि इसमें रेडियस 3 के बराबर आ रहा है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, अगर मैं बी में चेक करता हूँ तो 0 और 0 x0 y0 पुट करूँगा तो 0 हो जाएगा, बच कौन जाएगा, 15/√7 √(a², b²). ए स्क्वायर करोगे तो ध्यान से देखो 9 × 2/7 +b² करोगे तो 1, तो ध्यान से देखो 18 बाई, और इसका रूट रहता है राइट, तो 18/7 + 7 तो कितना हो गया, ये ध्यान से देखो 15/√7 और ये कितना हो गया 25/7 का रूट, तो 25 का रूट 5 हो जाएगा राइट, 5 × 3 = 15, √7 आपका कैंसिल हो जाएगा, आर है 3, डैट मीन्स ऑप्शन बी होगा, बाकी में आप चेक करो तो नहीं होगा, तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट को ध्यान से रखना याद, कि जब भी अगर सर्कल पे और कोई अदर कर्व पे एक कॉमन टेंजेंट हो रही है तो सर्कल के सेंटर से, सेंटर आप क्विकली निकाल लेंगे, सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस लाइन की होगी वो रेडियस के बराबर होगी, आप सेटिस्फाई करके देख लो कि बहुत अच्छा कंसेप्ट है बेटा, ऐसे थिंक करना है। एंड नाउ ज्ञान की बात कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो इलिप्स पे कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन लिखना हो तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं SS1 = 2t² वेयर s इज इलिप्स की इक्वेशन, = 1 होता है तो इधर लेके आ जाना है -1, तो ये आपका हो गया s। S1 का क्या मतलब है कि उस पॉइंट को आपको इलिप्स की इक्वेशन में पुट कर देना, तो ये S1 हो गया, और टेंजेंट t क्या होता है x1/a² + y1/b² - 1, तो ये आपको इस फॉर्म में लिख देना है, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको दे देगा पासिंग थ्रू पॉइंट x1, y1। तो आई होप बेटा मेरा ये आइडिया आपको समझ में आया होगा। अगेन आई एम टेलिंग कि मैं आपको यहाँ पे प्रॉब्लम कराने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आपको एक सोचने का तरीका बताने आया हूँ कि कैसे एग्जाम में प्रॉब्लम को थिंक करना है, कैसे ऑप्शन से जाना है, कैसे क्विकली क्वेश्चन को करना है, 1 मिनट के अंदर कैसे करना है वो। तो आई होप मेरा मैसेज आप समझ रहे होगे। अगर जिस दिन आप रफ़ी सर की तरह थिंक करना शुरू कर दिए, आपके एग्ज़ाम बहुत ईजी हो जाएंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको हाइपरबोला से आने वाले प्रॉब्लम को कैसे थिंक करना है, उसके क्वेश्चन को कैसे 1 मिनट के अंदर में सॉल्व करना है, उसके बारे में कंप्लीट आइडिया देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले सम ऑफ द बेसिक पॉइंट जो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सम ऑफ द बेसिक रिजल्ट जो आपको मालूम होना चाहिए। तो जो हाइपरबोला का इक्वेशन होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में वो x − 0² / a² - ध्यान दे y − 0² / b² = 1। इलिप्स में यहाँ पे प्लस था राइट, यहाँ पे ये माइनस है तो ये हाइपरबोला हो गया। अब यहाँ पे सर आपने ऐसा क्यों लिखा, इसको तो x² / a² y² / b² = 1 भी लिख सकते थे। ये ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये जो है कोऑर्डिनेट ये बता रहा है कि इस हाइपरबोला का सेंटर जो है वो 0, 0 पे है राइट। ध्यान रहे एक्स और वाई का कोफिशियंट 1, 1 होना चाहिए, ये बना लेना आपको, उसमें और कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया हाइपरबोला का जिसका सेंटर 0, 0 पे। इसेंट्रिसिटी जो होगी वो ऑलवेज फिक्स हो गई 1 + b² / a² वाई वाला जो स्क्वायर होगा उसके नीचे जो भी नंबर होगा वो b² होगा, और एक्स वाला जो स्क्वायर होगा उसके नीचे जो भी नंबर होगा वो a² होगा। यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि b ग्रेटर देन a होगा या a ग्रेटर देन b, जो भी होगा बस ऐसा ही रहेगा राइट। तो इसलिए इसेंट्रिसिटी 1 + b² / a², इसमें कोई झंझट नहीं है राइट। और ये ध्यान रहे कि ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगी आपको, इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, जबकि इलिप्स की स्मॉलर देन 1 था। मैं कंपेरिजन भी कराते चल रहा हूँ तो ये ध्यान रखना है।
ये इस स्टैंडर्ड हाइपरबोला को मैंने ड्रॉ कर दिया जिसका फोकस ए माइनस ए वो इलिप्स में था, राइट। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देना है कि जो डायरेक्ट्रिक्स इलिप्स की आ रही थी वो इस साइड में आ रही थी क्योंकि ई छोटा था, राइट। यहाँ पे ई बड़ा है और ए बाई डिवाइड कर रहे हैं तो इसलिए जो डायरेक्ट्रिक्स आएंगे वो यहाँ पे आएंगे। तो दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस वही सेम जो इलिप्स में होता था, 2a अपॉन ए, लैटिस रेक्टम का 2b स्क्वायर अपॉन ए सेम रहेगा, वो सब रिजल्ट सेम रहेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देना है कि वहाँ पे सम ऑफ द फोकल कॉर्ड या फोकस जो था वो 2 टाइम्स ऑफ a के बराबर आता। यहाँ पे fp डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इनटू f'p डिस्टेंस, मतलब हाइपरबोला पे कोई पॉइंट ले लो आप तो उस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो CP सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस CP स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डेट इज़ दिस वन माइनस A स्क्वायर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आगे मैं यूज भी करूँगा तो ये ध्यान रखना है, राइट। अगर A इज इक्वल टू B हो जाता है यहाँ पे इस केस में तो फिर वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाएगा, और A इज इक्वल टू B यहाँ पुट कर दोगे तो इसेंट्रिसिटी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की फिक्स हो जाएगी डेट इज √2। कभी कभी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को इस फॉर्म में भी लिखते हैं xy इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। तो ये इतने पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब अगर हाइपरबोला नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है तो आपको इस टाइप से एक इक्वेशन दी गई होगी, तो आपको क्या करना है जो एक्स स्क्वायर वाले टर्म है और एक्स वाले टर्म, इससे ए माइनस बी का या ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करना है। वैसे ही ए वाले टर्म से ए माइनस बी या ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करना है, वो हो जाएंगे कांस्टेंट टर्म उधर जाएगा, उसको डिवाइड कर करके राइट हैंड साइड में वन बना लेना, राइट। तो इस फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट किया जा सकता है, बट अगेन जो ध्यान देना बेटा, एक्स का कोफिशियंट वन रखना, वाई का कोफिशियंट वन रखना, राइट। तो ये जो एक्स में से जो भी इस माइनस या प्लस करोगे वही आपका सेंटर होगा, माइनस होगा तो पॉजिटिव पॉइंट होंगे, प्लस होगा तो निगेटिव पॉइंट होंगे, राइट। तो इसलिए सेंटर यहाँ पर पूछा जाए तो अल्फा कमा बीटा हो जाएगा। इसलिए अगर मुझे पैरामेट्रिक पॉइंट लेना हो, डेट मीन्स इस हाइपरबोला पे कोई पॉइंट एज्यूम करना हो, तो सेंटर जो भी होगा प्लस ए सेक थीटा, ए क्या है यही एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाला, तो उसका ए लेना सिर्फ, और जो वाई वाला कोऑर्डिनेट होगा वो बीटा सेंटर प्लस बीटा थीटा। अब आप खुद ही देख लो, अगर सेंटर जीरो है जैसे इस केस में स्टैंडर्ड हाइपरबोला में, तो अल्फा बीटा जीरो हो जाएंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए सिक्स थीटा, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा पैरामीटर हो जाएंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, ये रिजल्ट भी सेम है कि अगर मुझे इस हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन x1 y1 पॉइंट अगर है, इस पे टेंजेंट की इक्वेशन अगर मुझे ड्रॉ करनी है, लिखनी हो, तो कुछ नहीं करना है, x1 राइट, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, एक्स ऐसे ही रह देना और इस एक्स की जगह वो पॉइंट को पुट कर देना है, अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये बिल्कुल वैसा है जैसा इलिप्स में था, ओनली यहाँ पे क्या चीज़ थी, प्लस था, राइट। इसलिए आपको ज़्यादा रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। टेंजेंट अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में तो एक्स बाई ए सेक थीटा माइनस वाई बाई बी टेन थीटा इज इक्वल टू वन। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज होंगे वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर लाइन इस फॉर्म में, ध्यान दें इस फॉर्म में आपको लेके आना, पहले वाई का कोफिशियंट वन रखना है, कुछ सम ऑफ द कॉन्स्टेंट टर्म आएंगे एक्स के आगे जो स्लोप हो जाएगा और सी। अगर इस फॉर्म में लाइन है तो ये लाइन अगर इस हाइपरबोला को टेंजेंट है तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ये होगा। ध्यान से देखो, इलिप्स में ए स्क्वायर एम स्क्वायर यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो ओनली चीज़ें प्लस माइनस में इंटरचेंज हो रही है, ये भी ध्यान रखना है, राइट। तो ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो किसके बराबर होना चाहिए, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका अंडर रूट। तो ये आपको पूरा क्लियर होना चाहिए सारे पॉइंट। अब इसके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कैसे ऑप्शन से जाना है, उसका मैं कंप्लीट आइडिया देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में लाइन इज नॉर्मल टू द कर्व एक्स वाई इक्वल टू 1, तो क्या कंडीशन होल्ड करेगा। तो वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेना है, और ये जो कर्व है एक्स वाई इज इक्वल टू 1 आप ध्यान से देख सकते हो, तो वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स होगा। अगर एक्स इंक्रीज करेंगे तो वाई क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये जो कर्व बनेगा वो इस टाइप से बनेगा आपका, राइट। ये हो गया आपका रेक्टेंगल हाइपरबोला, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एजम्प्टोड हो गए, डैट मीन्स इन्फिनाइट पे टच करेंगे, राइट। अब इस पर नॉर्मल की बात हो रही है, आप ध्यान से देखो, एकदम स्केच की तरह समझना है। नॉर्मल मतलब जो एकदम ऐसे होंगे, राइट, टेंजेंट के परपेंडिकुलर। तो ध्यान से देखो, नॉर्मल का जितना भी आपका आएगा, ध्यान से देखो, देख रहे हो,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी टेंजेंट होगी उस पर ये परपेंडिकुलर एक लास्ट पॉइंट पे आएंगे, यहाँ पे जो भी टेंजेंट होगी तो नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे जो भी टेंजेंट आएंगी नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर। ध्यान से देखो, एक बार नॉर्मल 90 पे जा रहा और एक बार जीरो, तो नॉर्मल का जो भी स्लोप होगा वो जीरो से 90 डिग्री के बीच में रहने वाला है। डैट मीन्स ऑलवेज स्लोप क्या आएंगे? पॉजिटिव होंगे। और ये स्लोप कब पॉजिटिव हो सकता है? यहाँ पे ध्यान से देखो तो माइनस बी बाई ए है, तो ये कब पॉजिटिव हो सकता है? अगर b ग्रेटर देन जीरो है तो a को स्मॉलर होना पड़ेगा तभी पॉजिटिव होगा, या फिर b स्मॉलर देन जीरो है तो a को ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस साइन है। तो राइट, ऐसा एक ही ऑप्शन है, डैट इज़ b। देखो विदाउट कुछ किए हुए बेटा, डिफ्रेंसिएशन दिस डैट कुछ नहीं करना है, आप अच्छे से अगर डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो आपको पूरे पॉइंट का आइडिया हो जाएगा, तो ऐसे थिंक करना आपको। क्वेश्चन नंबर टू में सेंटर ऑफ हाइपरबोला आपको ये गिवन है और ऑप्शन गिवन था, तो ध्यान से देखो कैसे सोचना है। आपको जो हाइपरबोला गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्या है 9x² x - 36x, इन दोनों को क्लब करेंगे। राइट, यहाँ पे ध्यान से देखें तो माइनस कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा 16y² माइनस में 96y, राइट, माइनस में 252 = 0। पूरा सॉल्व नहीं करना बेटा, ध्यान से देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, चूंकि माइनस है तो x माइनस समथिंग का स्क्वायर आएगा, राइट, x माइनस स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस है तो y माइनस समथिंग का स्क्वायर बनाएंगे, राइट, एडजस्ट करेंगे, तो यही सेंटर होता है। ध्यान से देखो यहाँ पे माइनस है तो ये सेंटर आपको प्लस वाला होगा, और यहाँ पे भी माइनस आएगा तो ये सेंटर प्लस वाला होगा, मतलब इसके जो सेंटर होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। ध्यान से देखो, ऐसा एक ही ऑप्शन है, पूरा सॉल्व नहीं करना बेटा, आपको ऐसे थिंक करना पड़ेगा। ये ज़बरदस्ती ऐसे क्वेश्चन दे जाते हैं, बाय द वे इसको करना तो आपको मालूम है, 9 आप कॉमन लेंगे तो ये x² - 4x होगा, तो x - 2² ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो इससे क्या हुआ, ध्यान से देखो a² - 2ab, राइट, और प्लस b², तो फिर आपका 9x² और -36x ये आ जाएगा, और जो एक्स्ट्रा होंगे उसको माइनस कर करके हम करते हैं। तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था कि ये x माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो इसका सेंटर शुड भी कहाँ पे होना चाहिए, 2 पे, और यहाँ पे भी माइनस ही आएंगे, तो इसलिए दोनों जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ऑप्शन डी रहेगा, ऐसे थिंक करना आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ़ पी थीटा लाइज ऑन हाइपरबोला और एस और एस डैश फोकस हैं तो SP × SP' बताना है। तो सबसे पहले तो आप एक ड्रॉ कर लें, ये इस टाइप की कंडीशन बताना चाह रहा है कि यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ये एक फोकस होगा S, ये एक फोकस होगा S डैश, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस का प्रोडक्ट आपको बताना है। तो ध्यान से देखो, अभी बताया था रिजल्ट, SP × S′P किसके बराबर होगा, ये जो सेंटर है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का स्क्वायर CP², राइट, प्लस B² माइनस A², तो यहाँ पे कोई पॉइंट लेना हो तो आपको मालूम है A sec θ, क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, सेंटर 0,0, और B tan θ आप ले सकते हैं, राइट, तो ये डिस्टेंस A² sec² θ हो जाएगा, प्लस B² tan² θ हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से, प्लस B² - A², तो A² वाला कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो sec²θ - 1, और B² कॉमन ले लोगे तो tan²θ + 1, राइट। वी नो कि जो 1 + tan²θ होता है डैट इज sec²θ, वी नो 1 + tan²θ = sec²θ, तो 1 + tan²θ क्या हो गया यहाँ पे sec²θ, और यहाँ से देखो sec²θ - 1 क्या हो जाएगा tan²θ, तो ये हो जाएगा a² tan²θ, सो योर आंसर विल बी बी। तो इस तरीके से तो सम ऑफ द स्टैंडर्ड रिजल्ट ये जो है ये बेटा आपको ध्यान में रखना, अदरवाइज बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला बताना आपको, तो ध्यान से देखो तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं, क्यों? क्योंकि हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इन तीनों में से हो सकता है क्योंकि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, राइट। और कैसे करेंगे तो ध्यान से देखो 16x² - 32x माइनस में 3y² - 12y - 44 = 0,
तो इन दोनों में 16 कॉमन ले सकता हूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, इधर माइनस 3 कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर माइनस कॉमन ले चुके हैं, तो प्लस कितना हो जाएगा ध्यान से देखो 4y, राइट। अब मल्टीप्लाई करके देख सकते हो वही आना चाहिए, माइनस में 44 = 0। अब इनसे ये अगर ध्यान से देखो तो 2 × a × b, तो a तो ऑलरेडी है तो इसको 1 करना पड़ेगा, तो ये 16 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, राइट। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या होगा ध्यान से देखो, प्लस जब b स्क्वायर करेंगे तो 16 एक्स्ट्रा आ गया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस 16। तो ये चीज़ें अगर आप ध्यान से देखो तो ये यही है, राइट। वैसे ये माइनस लिया ये 3, इसको क्या लिख सकता मैं y प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इसमें एक्स्ट्रा कितना आ गया 2 स्क्वायर 4 और 3 × 4 = 12, राइट। यहाँ पे ध्यान दे माइनस में आएगा तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा प्लस में करना पड़ेगा, राइट। माइनस में 44 = 0, तो अब ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर 16 माइनस 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये सब टर्म को आप उधर ले जाओ, राइट। तो कितना आ जाएगा ये 48, राइट। तो इससे डिवाइड कर दो, यहाँ पे 48, यहाँ पे 48, यहाँ पे 48, तो ये 1 हो जाएंगे, इधर 1 रखना था अपने को, ये आपका 16 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो यू नो इसेंट्रिसिटी क्या था, रूट अंडर ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट। 1 प्लस बी स्क्वायर ध्यान से देखो कितना गया आपको 16, और ए स्क्वायर कितना गया 3, स्टैंडर्ड फॉर्म में आना चाहिए, तो कितना गया ये रूट अंडर ऑफ 19/3, डेट इज ऑप्शन ए। यहाँ पे ध्यान से देखो एक्स और वाई का कोफिशेंट मैंने 1 रखा है, तो ऐसे, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, तो ऐसे आपको प्रॉब्लम को थिंक करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड लेटेस्ट रेक्टम आपको गिवन था, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा, तो अगेन नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करो, राइट। हाइपरबोला में टेंशन ही नहीं है, कौन बड़ा है कौन छोटा, राइट। ट्रांसवर्स एक्सिस जो एक्स एक्सिस हो जाएंगी, तो हाइपरबोला आपका इस टाइप का होगा, तो ये वाला पॉइंट आपको मालूम है क्या लेंगे ए कॉमा जीरो, और ये क्या होता है माइनस ए कॉमा जीरो, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंथ ऑफ, यही हो गया आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, राइट। तो आप ध्यान से देखो कि जो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है, LTA मतलब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, वो 2a के बराबर है, राइट। और ये कितना गिवन है ध्यान से देखो 2a = 6, तो a कितना आना चाहिए 3। अब चेक करो a किस में 3 आएगा, ध्यान से देखो अगर मैं 36 से यहाँ डिवाइड करूँगा, तो यहाँ पे ध्यान से देख लो तो ये कितना हो जाएगा 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये 4 9 दो, और ये a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर यही है, राइट। तो a इसी का 3 आ रहा है, बाकी में नहीं आएगा, ध्यान से देखो तो ये 18 हो जाएगा, ये ध्यान से देखो तो 8 आएंगे इधर, इधर 4 आ जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन डी। बस आपको थोड़ा सा आपको लेना बेटा और ऑप्शन तक पहुंच जाना, ऐसे आपको थिंक करना पड़ेगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 में नॉर्मल टू द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy = c² एट पॉइंट टी मीट्स कर्व अगेन एट पॉइंट टी डैश, तो कौन सा रिलेशन सही है, तो ध्यान से देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे एक नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस टाइप से हो गया, इस पे कहीं पे नॉर्मल खींचा आपने, वो एक बार और इसको कट कर रहा है, तो ये पॉइंट है आपका टी और ये टी डैश पैरामीटर फॉर्म में, राइट। तो ये पॉइंट मैं क्या ले सकता हूँ, चूँकि मेरे पास xy = c² है, तो अगर x मैं ct ले रहा हूँ तो y मुझे क्या लेना पड़ेगा c² आना चाहिए, तो c/t लेना पड़ेगा, ये पॉइंट मैं एज्यूम कर सकता हूँ, राइट। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा ct, c/t, राइट। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं y = c² / x लिख सकता हूँ, वाई डैश क्या हो जाएगा माइनस में c² / x², ये जो स्लोप है वो किसका है टेंजेंट का, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा x² / c², x की जगह क्या पुट करना है ct, तो पुट कर दो तो c²t² / c², तो स्लोप का आपको आ चुका है t², तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ y − y1 c/t = slope (t²) x − x1 (this one). तो ध्यान से देखो इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इधर ty − c = ये क्या हो जाएगा t³x − ct, राइट। इसको अगर पूरा लिख दूँ तो ty − c = tqx − ct⁴। तो ये मेरे को क्या आ गया है ध्यान से देखो, ये आ गया है इस नॉर्मल की इक्वेशन, और ये नॉर्मल इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये पॉइंट फिर से मैं क्या ले सकता हूँ t डैश के फॉर्म में ct·c/t,
तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए इसको, तो इसमें पुट कर देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखो, टी वाई की जगह क्या हो जाएगा सी बाई टी डैश माइनस सी इज इक्वल टू टी क्यू, एक्स की जगह क्या हो जाएगा सी टी डैश राइट माइनस में सी टी की पावर फोर पुट कर दिया। तो ध्यान से देखो सी सी सबसे निकल जाएंगे, तो बचा क्या ये टी डैश मल्टीप्लाई कर दो तो टी माइनस टी डैश इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया टी क्यू टी डैश का स्क्वायर और माइनस में टी डैश टी की पावर फोर राइट। सबको एक साइड में अगर मैं लेके आ जाऊँ तो यहाँ से ध्यान से देखो क्या हो जाएगा टी माइनस टी डैश माइनस में टी क्यू टी डैश का स्क्वायर प्लस में टी डैश टी की पावर फोर। अब अगर इसमें कॉमन लूँ मैं तो ध्यान से देखो ये तो आपका क्या हो जाएगा टी माइनस टी डैश और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो अगर मैं कॉमन लेता हूँ राइट माइनस में इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है एक तो टी डैश आ रहा है और टी क्यू पावर ले सकते हैं तो टी डैश और टी क्यू पावर अगर ले लिया तो बचा क्या इसमें ध्यान से देखो सिर्फ आपका बचा टी डैश और इधर क्या बच जाएगा माइनस में टी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो t माइनस टी डैश है ये t डैश माइनस t है तो इसको इंटरचेंज कर सकते हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा t माइनस टी डैश राइट। तो ये कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखो t माइनस टी डैश इंटू टी डैश टी क्यू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए राइट और दोनों पॉइंट सेम तो है ना t इज इक्वल टू टी डैश नहीं हो सकता पॉइंट सेम नहीं है तो इसको आपको जीरो होना पड़ेगा तो क्या हो गया टी डैश टी क्यू माइनस वन के बराबर होना चाहिए डैट इज ऑप्शन बी। तो थोड़ा सा इसमें सॉल्व करना पड़ जाएगा तो ऐसे भी हम थिंक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये दो हाइपरबोला के इक्वेशन गिवन है इसेंट्रिसिटी E1 E2 है तो ये रिलेशन बताना था कितना होगा तो ध्यान से देखो इसेंट्रिसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी तो उसका सम करना है तो जीरो तो कभी नहीं हो सकता। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे 16 और 9 है यहाँ पे 9 16 है उल्टा हो गया राइट। इसेंट्रिसिटी क्या होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तो राइट इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर राइट। अब यहाँ पे ध्यान से सुना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे ये इंटरचेंज हुआ है तो एक बार बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा और एक बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएंगे राइट। तो इसलिए जो अगर मैं इवन बात करूँ तो अगर ये इस टाइप से ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई अगर ए स्क्वायर है तो ई टू क्या हो जाएगा ये चीज़ तो ऊपर सेम रहेंगी नीचे में क्या हो जाएंगे बी स्क्वायर इसका वन बाई करेंगे तो ये नीचे रहेंगे और ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा चूंकि स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा कैंसिल होकर के वन। बात समझे कैसे क्योंकि इसको उल्टा करना और स्क्वायर करना है तो स्क्वायर हट जाएंगे तो नीचे दोनों तो सेम हो जाएंगे अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो नोमिनेटर ऐड हो जाएंगे और ये वन हो जाएगा तो ऐसे करना यानी कि इसेंट्रिसिटी निकाल करके करके आप कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 में फोकस ऑफ पैराबोला गिवन है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा तो यहाँ पे टेंजेंट पे मैं टारगेट कर रहा हूँ ध्यान से देखो इसको क्या लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू माइनस में 2x प्लस 4 ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप हो गया राइट जहाँ पे स्लोप m माइनस 2 है और c आपका 4 है राइट। तो इक्वेशन क्या था सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर तो ध्यान से देखो किस में ये रिलेशन होल्ड कर रहा है तो सी स्क्वायर सी कितना हो गया 16 आना चाहिए ए स्क्वायर अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो 20 से डिवाइड होगा राइट तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 तो ए स्क्वायर कितना हो गया आपका 5 और एम स्क्वायर स्लोप 2 का स्क्वायर तो 4 माइनस बी स्क्वायर 4 राइट तो ये आ रहा है 20 माइनस 4 आ रहा है 16 डेट मीन्स यही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे आपको करना बेटा ऐसा नहीं है कि पूरा उसको निकलना एक तरीका जो कन्वेंशनल मेथड था चूँकि फोकस गिवन है यू नो फोकस क्या होता है ए डेट इज 3 है राइट तो आप स्क्वायर कर दो तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 राइट और इसेंट्रिसिटी ई कितना होता है रूट अंडर ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर फिर इस टाइप से करो तो इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में करने को आपको ऐसे थिंक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में इफ फोकाई ऑफ एलिप्स और जो हाइपरबोला है वो कॉन्साइड कर रहे हैं डैट मीन्स ए डैश ई डैश इज इक्वल टू ए ई अगर ये एलिप्स का ले रहा हूँ और ये हाइपरबोला का कॉन्साइड कर रहे हैं एलिप्स स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका ए यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो 4 का स्क्वायर हो गया तो 4 और ई जो हो जाएगा वो रूट अंडर ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर जो नहीं मालूम है बाई ए स्क्वायर 16 ये हो जाएगा इज इक्वल टू
ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ध्यान दो 1/25 है, तो ये 25 इधर मल्टीप्लाई होंगे तो ये 25 नीचे आ जाएगा राइट, तो ये कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 12/5 रूट अंडर ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे राइट, तो 81/144। तो अब आप ध्यान से देखो तो आप सॉल्व कर सकते हो 4 3 12 में, तो ये रूट अंडर ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई 16 है, यहाँ पे ये 3/5, यहाँ से ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाएगा 225 राइट, तो ये 15/12 आ जाएंगे आपको, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 15 और 3 1 4 राइट, तो ये कितना हो जाएगा 3/4, दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो 1 - b² / 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/16 राइट, ये कितना हो जाएगा 16 - b² / 16 इज इक्वल टू 9/16 कैंसल, तो बी स्क्वायर कितना हो गया 16 - 9 डैट इज 7, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आपको पूछा था तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे डी। तो इस तरीके से आपको करना है, तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको समझ में आया होगा। अगेन आई एम टेलिंग सेम पॉइंट कि मैं यहाँ पे आपको प्रॉब्लम कराने नहीं आया हूँ, मैं आपके सोचने का तरीका को चेंज करने आया हूँ। जिस दिन बेटा आप इस तरीके से सोचना शुरू कर दोगे तो आपको हर प्रॉब्लम ईजी लगेगा। थैंक यू।